बेहतर मिले ये है दुआ मेरी, वक्त ये अब भूलना होगा, पर जिंदगी खुशहाल हो तेरी। प्यार बहुत था मेरा पर लाचार बेचारा, मजबूरी के आगे बचा एक नाचारा। प्यार बहुत था हेलो गाइस, हेलो जॉर्ज लोगो, वेलकम बैक विद अनदर कस्टम। तुम्हारा भाई लेके आ चुका है एक और D3 स्क्रीम, जिसका यू नो होने वाला है स्टार्ट अराउंड 2 मिनट्स के आसपास। यस बिल्कुल 2 मिनट में यू नो मैच स्टार्ट हो जाएगा। और जो लोग अभी तक भाई चैट में नहीं आए हो, सारे के सारे चैट पे आ जाओ। व्हाट्सएप पे DM मत करो, नहीं सुनी जाएगी गाइस। कोई भी प्रॉब्लम है जाके भाई कोई भी भाई आपके स्लॉट में कोई और आके बैठ गया, या फिर कोई भी इश्यूज आप लोगों को आ रहे हैं रूम्स में, तो यार डायरेक्ट मेरे को चैट में आके मैसेज कर दो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि ये व्हाट्सअप खोलना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स ना करवाओ और सिंपल सिंपल काम थोड़ा करवा दो।
टीम की अगर मैं बात करूँ 69 प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहोगे टीम नंबर 24 अपने स्लॉट में यहाँ पे है। बाकी अगर मैं बाकी टीम्स की मैं बात कर लूँ तो सारी टीम्स मेरे को अपने अपने स्लॉट्स में देखने को मिल रही है। डार्क हिट डायमंड, डार्क बॉयज़ की टीम, बोट, INC, माल्फ बॉय की अगर मैं बात करूँ ये यहाँ पे आ चुके हैं, हाइपर अल्फा अपनी टीम के साथ, फेट प्रो, फोर स्प्रेड, D2C, डेयर टू कम्प्लीट, FW, फॉरगॉटन वॉरियर्स और यहाँ पे ब्लड सिनर्स देखने को मिल जाएगी। गब्बर AKM, यू नो न्यू टीम्स, टीम नंबर 14 कौन सी टीम है आई डोंट नो, रिमेंबर मेरे को है नहीं। B4M यहाँ पे आ चुके हैं, प्रिंस, 7S कुना, NS यहाँ पे आ चुकी है, ऑक्सीजन स्पोर्ट्स, जीरो एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको मिस्टर क्लेन देखने को मिल जाएगा टीम, एंड WTF यू नो राजधानी एक्सप्रेस इनका नाम है, नाइट स्पाइडी के साथ उनकी टीम, VR स्पोर्ट्स एंड NFS पूरे के पूरे टीम यहाँ पे आ चुकी है। और हम करने जा रहे हैं यहाँ पे रूम स्टार्ट बिना किसी डिले के और बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ये कौन है भाई? B4M आयशा, वेट अ मिनट भाई, आईडी लेवल क्या है? 39। What do you think guys? I don't know. Because registered इन लोगों ने करा रखा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लेवल 26 की आईडी तो नॉट अलाउड होने वाली, जाहिर सी बात है। और यू नो लेवल 64 चल जाएगी, ठीक है, लेवल 61 आईडी ओके है। ये कौन है भाई? SC भाई हटा दो। और कौन कौन है? स्मोकर गाइस, आपको अगर न्यू आईडीज दिखे ना तो उन्हें यू नो मैं बैन हटा सकता हूँ, और कोई 7 की केडी हो या 10 की केडी हो आई डोंट केयर। ये बंदों को क्या कंफ्यूजन है कि इनको स्लॉट नंबर 24 और 14 में फर्क ही नहीं पता। PN जनता, KTC टीम दिखाओ भाई, KTC टीम आई डोंट नो कि उन्होंने रजिस्टर्ड कराया या फिर नहीं। फिलहाल यार मैं यहाँ पे रूम स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिकॉज टीम्स यहाँ पे आई नहीं है शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। और जो लोग नहीं आए हैं तो उनके लिए सॉरी यार, बट कुछ नहीं कर सकते, रियल आईडी से आए लोग बाग अपनी तो ज़्यादा बेटर होगा। रूम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम कितना हो गया भाई? टाइम ऑलरेडी हो चुका है, रूम स्टार्ट एंड मैच भी स्टार्ट। सो मैं फ़ैन बंद कर दो भाई, हाँ, और मैं गर्मी में मर जाऊँ तुम्हारी ऐसी के तैसे। रुको आवाज़ कम करता हूँ ना, मैं ईयरफोन हेडफोन लगा रहा हूँ तो फिर साउंड थोड़ा कम आएगा फ़ैन का। क्यों टेंशन ले रहे? तुम्हारा भाई जुगाड़ कर रहा है। रैंडम का स्लॉट कौन सा है? रैंडम का स्लॉट जौन सा भी था, अब छोड़ दे उसे भाई। तो गाइस यहाँ पे चलते सीधा मैच की तरफ, 80 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे मैच स्टार्ट हो चुका है। और आई डोंट नो कि कौन से टीम में कौन से प्लेयर्स घुसे। और ये तो बहुत ज़्यादा साउंड है ईयरफोन का। एंड जितने भी लोग चैट पे आ चुके हो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो सारे के सारे। ओवरऑल 81 प्लेयर, स्लॉट पर 1 इनसेन गॉड, स्लॉट नंबर 2 दोनों के दोनों नॉट रजिस्टर्ड हैं। जो भी टीम आई है बहुत गलत इन्होंने करा है। VR की तरफ से यहाँ पे 2 प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, स्लॉट नंबर 18 मिसिंग है। एंड स्लॉट नंबर 18 2021 ओनली स्लॉट नंबर 18 कौन सी है टीम है? लेट्स एक बार चेक आओ, चेक कर लेता हूँ मैं।
लेट्स यहाँ पे इंसेन गॉड सोलो मैन प्लेन पर जार्की की तरफ से यहाँ पे जा रहा है शूटिंग रेंज रुजोक यहाँ पे कवर करने वाला है स्कूल अपार्टमेंट्स यासना मेंशन शेल्टर प्रिजन लिपोव का एंड मिल्टा पावर गाइज ये सारे होने वाली हैं ड्रॉप लोकेशंस आज के मैचेस की और हमें देखना है कौन सी टीम कहाँ पे उतरने वाली है लेट्स सी एंड वेट दिस मैच इंसेन गॉड सोलो मैन यहाँ पे अनरजिस्टर्ड प्लेयर्स वाइपर को पता नहीं कितनी बार बोलना पड़ेगा कि बंदों को किक आउट कर देकर एक बार जब ग्रुप बनाता है एडी पास का तो उससे पहले बट वाइपर वही सेम गलती बार बार भाई प्लेयर्स आ जाते हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया होता है वो भी तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है भाई और सारी टीम रजिस्टर्ड टीम्स अपने अपने स्लॉट्स में गई यहाँ पे गाइस सीजन 2 के भैया एन एफ एस स्लैक्स को ये कपड़े मिल चुके हैं और यहाँ पे भाई स्लैक्स कुछ करने वाला है कि आज ये जॉशपुर सिटी ड्रॉप लोकेशन चेंज होता हुआ वी आर स्पोर्ट्स यहाँ पे आई है एस टी ओगी आपको देखने को मिल जाएंगे टीम नंबर 3 से हाइपर अल्फा क्या यहाँ पे न्यू प्लेयर्स के साथ आज खेलने वाली है टीम नंबर 5 की अगर मैं बात कर लूँ एविल नो अभी तक यहाँ पे गन की तलाश में भटकते हुए पैन जरूर इनके यू नो पीछे है बट Still hoping for the best. Gun यहाँ पे लूटी जा रही है D2C के प्लेयर डेयर टू कम्प्लीट पहला नॉकआउट इस मैच का यहाँ पे निकाल चुके हैं और किधर ये नॉकआउट इन्होंने निकाला है देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बिकॉज भाई मेरे को नहीं पता ये टीम कहाँ पे आई थिंक यहाँ पे शायद ये फाइट चल रही है 4 PM जॉर्ड नॉकआउट जो वो सॉरी लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं इनकी टीम से और यहाँ पे D2C, Dare to Complete की टीम इस मैच को डोमिनेट करने के लिए तैयार है दो नॉकआउट उतरते के साथ ही अपनी टीम को दो फिनिशेस देंगी फर्स्ट दो फिनिशेस यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ हाइपर अल्फा जो है वो यहाँ पे एस टी योगी को नॉक फिनिश करा गया है वी आर स्पोर्ट्स के प्लेयर्स आपस में भाइयों की लड़ाई चलती हुई हेलो नोवा जॉर्ड वेलकम बैक क्या भाई तू तो आई अभी रहा है जो लोग भी चैट में हो और यहाँ पे गाइस प्लेयर बैन हो चुका है लाइक लिटरली गाइस वो जो भी साथ की केडी वाला था वो रियल में हैकर था ऐशा वैशा जो नाम था नूब वगैरह करके बोर्ड प्लेयर भाई पता नहीं क्या मैंने इसीलिए किक आउट नहीं करा था बिकॉज तुम लोगों को पता है बट यहाँ पे हैकर हो चुका है बैन और मैं यहाँ पे ढूंढ के निकालूंगा कहाँ है वो और जाके उसको दिखाता हूँ तुम लोगों के सामने B4M ऐशा वो नाम शायद है यस अरे तुम्हारे भाई की लोपेल गई बहुत बढ़िया भैया हमारे जीरो क्रेजी ओपिकम जॉर्ड AFK बैन प्लेयर का फायदा उठा और यहाँ पे टीम ने हक भी दिया टीम को यहाँ पे डायरेक्ट बैन दो पहली बात तो सीधा यहाँ पे बैन दिया जाएगा टीम B4M जो भी ये टीम थी गाइस एक मिनट हाँ मैं ग्रुप में मैसेज कर दूं कि टीम B4M को बैन दे दो भाई Band team B4M using hex. और यहाँ पे गाइस फिनिश आउट होती हुई चार फिनिशेस यहाँ पे जाते हुए और यहाँ पे भैया लड़की लड़कियों के नाम से अब ये लड़के हैं या फिर नहीं ये तो पता नहीं बट जो भी थे लग गए इनके भाई कल पक्का है ना TDM टूर्नामेंट यार देख मैंने अनाउंस तो कर दिया है अभी देख भाई जो डिस्कॉर्ड वाली टीम है उनका तो मतलब उनके मैचेस तो मैं सारे कर दूंगा बट उसके बाद व्हाट्सअप की टीम के मैचेस होंगे और उसके बाद आपस में डिस्कॉर्ड वाली टीम सारी व्हाट्सअप ज्वाइन करेंगी एंड वहां पे यू नो सबके मैचेस होंगे क्वालिफायर्स वाले ठीक है सिंपल सी ये बात चार फिनिशेस के साथ ये पेटी पे जरा गोली गोली बजा दो भाई इनकी हैकर पैकर पेल दिया तुम लोगों ने स्मोकर यहाँ पे स्लैक्स को नॉकआउट कर चुका है चलते हैं टीम नंबर 5 वर्सेस टीम नंबर 3 VR स्पोर्ट्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया NFS स्लैक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो नॉकआउट यहाँ पे जरूर हुए थे और यहाँ पे एलिमिनेट भी हो चुके हैं 69 साइको यहाँ पे मिसिंग है इनके टीम से अगर मैं बात कर लूँ तो एक प्लेयर को जरूर यहाँ पे नॉकआउट करा है एविल नो मैक ओपी को यहाँ पे नॉकआउट करा है हमारे गब्बर ब्रो यहाँ पे WTF के स्काइलर को नॉकआउट करेंगे एक और फाइट हमें देखने को मिल जाएगी लीजेंड साहिल फ्लैंकर्स की टीम वादू ड्रैगन के साथ साहिल आपको देखने को मिलने वाला है 3-man स्क्वाड से ट्रायो यहाँ पे खेलने को दिखता हुआ टीम नंबर 14 क्लेवर आई थिंक यहाँ पे टीम का नाम या फिर जो भी है वो मेरे को नहीं पता मिनी 14 DMR के साथ आपको देखने को मिलने वाली है टीम रैप्टर्स ओपी बट वेयर इज रैप्टर की टीम यहाँ पे क्या रजिस्टर्ड है इस मैच के लिए रजिस्टर्ड तो थी बट वो शायद आई नहीं है और ये कौन सी टीम थी स्लॉट नंबर 18 मेरे को देखना था उन्हें भी तो बैन देना है मैं तो भूल ही गया
स्लॉट नंबर 18 जस्ट डू इट, जो भी ये टीम थी भाई, ऐसा तो नहीं होता कि आप लोगों ने चिकन डिनर निकाल लिया, T2 के लिए प्रमोट हो गए तो आप लोग रजिस्टर्ड मैच में नहीं खेलो। सर बिग फैन। स्लॉट नंबर 5 के पास ही अभी आप लोगों ने देखा था भाई डैडी नूब, अगर आप लोगों को पता हो तो। एंड सारे के सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। वहाँ पे एक फाइट मिसिंग है, यहाँ पे एक बंदे को जरूर एलिमिनेट कर दिया है, स्काइलर को पिस्टल के साथ यहाँ पे घूम रहे हैं क्रिश ओपी। सामने NFS यहाँ पे एविल नूब को अगेन यहाँ पे नॉकआउट करते हुए चलते हैं टीम नंबर 5 के पास। फिर से बैरल के साथ स्मोकर देखने को मिल जाएंगे, रिवाइवल यहाँ पे मिलेगा नाइट स्पाइडी के थ्रू। और सामने बचे हुए हैं टीम नंबर 3 NFS की टीम के दो प्लेयर, स्लैक वो वाइपर एंड अल्फा, हाइपर अल्फा। 15 लाइक्स नहीं हो रहे क्या गाइस? गाइस जो लोग भी चैट पे हो, 13 के वॉचिंग है, सारे के सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। और हमको लग रहा था भाई कि मैच खराब होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मैच हो चुका है ओपी, बिकॉज हैकर जो है आते के साथ ही बैन हो गया। ओ व्हाट अ जॉड कस्टम, तुम्हारे भाई के कस्टम में, मतलब ये तो सच है, हैकर नहीं आते, मतलब नहीं आते, हैकर आना चाहते हैं बट वो बैन हो जाते हैं। बेचारे के साथ की केड़ी मेहनत सारी बर्बाद कर हो गई, बेचारे ने मारा होगा पता नहीं कितने रैंक पुशर्स को, चूतिया लोग क्या बोलूं, सुधरते ही नहीं भाई। रैप्टर्स अगला मैच खेलेगी, ओ बट रैप्टर्स रजिस्टर्ड है क्या 9 PM 10 PM के लिए, ये मेरे को नहीं पता। और यहाँ पे स्मोकर को नॉकआउट कर गया है, फिलहाल यहाँ पे रिवाइवल के लिए कोई जा रहा है, यस बिल्कुल, एविल नूब यहाँ पे रिवाइव दे चुके हैं, स्मोक बॉल जरूर बनाई थी। एंड इसी के साथ हम लोग चले किसी और फाइट के पास, मिस्टर हैशटैग अपने आप को ग्रेनेड के थ्रू नॉकआउट कराए। अब क्यों यहाँ पे नॉकआउट किया गया है ये देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। टीम NS की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक फाइट देखने को मिल जाएगी स्क्वाड हाउस में, मिस्टर हैकर ब्रो यूजी के साथ एलिमिनेट करेंगे ऊपर जाने के साथ ही बंदे। NS के यहाँ पे कौन है, रोहन ब्रो। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे मिस्टर के बाकी के प्लेयर्स, रिवाइवल यहाँ पे दे दिया अपने प्लेयर को, रिवाइव देने के बाद आए भी हैं NS, रोनी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जी गॉड एलिमिनेट हो चुके हैं, रोमन एलिमिनेट हो चुके हैं। अभी यहाँ पे M416 विद 3x स्कोप के साथ सोमिल गेमिंग भाई, B4M बैन कर दी भाई, सीधा बैन ब्रो, क्या भाई सीधा बैन ही करनी होती है ना, अभी क्या उनसे बात करनी थी क्या कुछ भाई, उनके प्लेयर की आईडी बैन हो गई, B4M आयशा उसका नाम था, तुम लोगों को दिखा दिया स्पेक्टेट में तुरंत करके, मेरे को जैसे वो बी लिखा है ना, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा था कि भाई ये 7 की केडी वाला बंदा है और ये 5 की केडी वाला, जरा इन्हें देख लेना। तो मैंने जब वो 5 की केडी वाले को देखा ना, पहले मैंने 7 की केडी वाले को देखा तो उसका आईडी लेवल था 39, तो मैं मेरे पास ग्रुप किक करने का कोई रीज़न नहीं था भाई, देखो सच्ची बताऊँ तो मैं ऐसे सिर्फ किसी के कहने पर या केडी की वजह से यू नो किसी को किक नहीं कर सकता रूम से। और उसके बाद जो लेवल 5 की केडी जो थी भाई, उसको मैंने रिमूव कर दिया था बिकॉज आईडी लेवल था 16। WTF के प्लेयर लीजेंड, अगर कि मैं यहाँ पे फ्लैंकर्स की बात करूँ, एलिमिनेट कर चुकी है सामने वाले टीम्स को, और पूरा यासना, ओ नहीं, यहाँ पे गाइस क्रिश ओपी ने शायद बचा लिया है, एलिमिनेट कराया 1v3 फ्लैंकर्स की टीम को, 3 finishes यहाँ पे टीम के हैं और तीनों फिनिशेज क्रिश ओपी। इन द चैट कर दो गाइस, थॉमसन स्कारल का एक कॉम्बो, ऑक्सी को यहाँ पे जीरो भाई, यहाँ पे जीरो ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के प्लेयर को फिश के थ्रू मिल्टा में एलिमिनेट करते हुए। और यहाँ पे भाई अबनॉर्मल बैड फ्लाई, दो प्लेयर जरूर एबनॉर्मल और बैड फ्लाई, दो प्लेयर नॉकआउट हो चुके हैं। अभी बैन हुआ क्या? नहीं, घुसते ही बैन हो गया था, मिल्टा में जैसे वो लैंड कराना शायद तुरंत ही बैन हो गया, और मैंने तुरंत ही, मेरे को नाम आया बी से करके, मेरे को तुरंत ही पता चल गया है वही प्लेयर है B4M आयशा जिसका नाम था, 7 की केडी जिसकी यू नो थी। हाय सैंडी, हेलो अतिशा, अरे अतिशा कैसे, क्या हो गया अतिशा, बहुत खुश है आज ऑक्सी पिंटू। अरे अतिशा खेलने क्यों नहीं भाई, एक लोग खेलने नहीं आए बताए, ये विष्णु ये भाई, इनका स्लॉट यू नो वेस्ट करवा रहे हैं यार ये स्लॉट, कसम से भाई। यहाँ पे जीरो की टीम 7 finishes के साथ 2 टीम को एलिमिनेट कर चुकी है, टीम ऑक्सीजन स्पोर्ट्स के लास्ट प्लेयर रियो यहाँ पे बचे हुए हैं, सांप बन के बाइजन के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं जोन के बाहर। टीम्स नोवा में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, नोवा जॉर्ड, नोवा से यहाँ पे मिश्र की टीम यहाँ पे आ चुकी है, पोचिंगी की तरफ आपको देखने को मिलने वाली है ब्लड सिनर्स। और यहाँ पे गाइज ऑक्सी रियो को शायद यहाँ पे एलिमिनेट कराए, नहीं यहाँ पे रियो ने क्या, नहीं यहाँ पे 1 HP है,
रैंडम का स्लॉट कौन सा है मैं आ सकता हूँ क्या? रैंडम का स्लॉट कोई सा भी नहीं है, सिर्फ क्वांटम का स्लॉट है जो मैनेजमेंट स्लॉट है, वो स्लॉट नंबर 2 अगर उसमें आना है आ सकता है। साले हरामी लोग पबजी खेल रहे थे BGMI छोड़ के। स्लॉट 5 दिखाना भाई मुश्किल है, बिकॉज स्लॉट 5 की टीम फाइट जो है वो बहुत बोरिंग हो रही है, एक ही जगह पे यू नो फाइट चल रही है। हाइपर अल्फा लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचा हुआ है NFS की तरफ से, 1v4 के सिचुएशन प्ले जोन में है ये लोग अभी, और पूरा का पूरा जोन यहाँ पे जॉर्ज पुल की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। रॉय रियो को फाइनली यहाँ पे एलिमिनेट करा गया, अल्फा एक बंदे को नॉकआउट करेंगे, और उसी के साथ टीम नंबर 5 NFS की पूरी टीम को यहाँ पे वाइप आउट करते हुए बढ़ेगी आगे। जॉर्ज पुल नॉर्थ सिटी पूरा का पूरा क्लियर अर्न यहाँ पे इनको मिल चुकी है, एक लोकेशन आराम से होल्ड करने के लिए। 4 फिनिशेज हो चुके हैं, स्कूल अपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। टीम नंबर 23 सामने यहाँ पे फॉरगॉटन वॉरियर्स, उसी के साथ टीम नंबर 14 गब्बर TDR जो भी ये न्यू टीम थी उनकी यहाँ पे टीम आ चुकी है, एंड क्रिश ओपी द जॉर्ड 3 फिनिशेज निकालने के बाद अपार्टमेंट्स के अपर रीच पे यू नो आ चुके हैं। मालफॉय अगर मैं बात करूँ ओवर क्या नाम है इसका टीम का, बिल्कुल मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ सच्ची बताऊँ तो, बाला ओपी मालफॉय ओपी, एंड यहाँ पे इनके यू नो जॉर्ड प्लेयर कॉनकर खिलाड़ा ब्रांच शायद इस मैच में नहीं है, ग्रांट ऐसे कुछ करके नाम था उसका, क्योंकि कल ही वो आया था और मैंने सिर्फ एक दो बार देखा था। और FW ओशिया यहाँ पे एविल जो है नॉकआउट करेंगे विनफोर्ड ओपी को। लेट्स सी गाइस यहाँ पे टीम नंबर 23 की एक फाइट होती हुई, नो बड़े लोग उस स्लॉट में, हाँ उस स्लॉट में तुम लोग जा सकते हो स्लॉट नंबर 2 में, ठीक है सही है। रैक्सो गेमिंग YT गब्बर यहाँ पे WTF निंजा को एलिमिनेट करेंगे, और यहाँ पे शायद टीम जो थी भाई ये राजधानी एक्सप्रेस ये जा चुकी है लोबी में। रैप्टर कैसा खेलती है भाई ये तो, रैप्टर कैसा खेलती है यार, रैप्टर के कुछ प्लेयर तो हैं जो काफ़ी अच्छा खेलते हैं, बट अभी तक वो रैप्टर ने वो मज़ा कहाँ दिखाया, वो शायद T2 का वेट कर रहे हैं रैप्टर, सीधा T2 में ही अपना यू नो जलवे बिखेरेंगे, T3 तो खेलने ही नहीं आ रहे भाई, अगले रजिस्टर्ड ही नहीं कर रहे हैं शायद, और क्या यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रखा है क्या। रैप्टर ने रजिस्टर्ड तो करा था जितना मेरे को याद है, मैंने सुबह देखा तो था रैप्टर की टीम, बट यहाँ पे है नहीं। हाँ स्लॉट नंबर 22, तो स्लॉट नंबर 22 में कौन है भाई, स्लॉट नंबर 22 में INC बाबा और बोट कोल्ड, ये क्या चल रहा है भाई इनके स्लॉट में तो कोई और ही है भाई, ये क्या मजाक है टीम रैप्टर्स, ये क्या मजाक चल रहा है क्या इधर, कुछ तुम लोग आ नहीं रहे हो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। 45 प्लेयर्स 14 टीम्स अभी भी यहाँ पे बची हुई है, मालफॉय DBS के साथ यहाँ पे नॉकआउट करते हुए हमारे चिंगपिंग लोगों, और यहाँ पे गाइस शायद एक एलिमिनेशन मुझे टोक्यो के थ्रू। ओ भाई वड़ा DBS यहाँ पे चलाइए, बैक टू बैक दो बंदों को यहाँ पे DBS से लो भी भेज दिया, एंड दो फिनिशेस भी निकाल दिया अपनी टीम के लिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे निकलने की कोशिश की जाएगी बिकॉज अराउंड यहाँ पे एक ही मिनट बचा हुआ है, पूरे के पूरे 3 प्लेयर्स देखने को मिल जाएंगे, बाला विनफोर्ड मालफॉय पूरी टीम के साथ, डार्क के ये प्लेयर ब्लड सिनर्स के साथ एक फाइट यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। किधर ये फाइट हो रही है ये थोड़ा देखना मुश्किल होने वाला है, बट ये शायद फाइट मेरे ख्याल से ख़त्म ही हो गई है, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को। एक फिनिशेस है, ग्रनेड यहाँ पे कुक किए जा रहे हैं, 666 के लास्ट मैन स्टैंडिंग शो YT 1v2 की सिचुएशन करने के लिए तैयार। डार्क टेमोन को ग्रनेड के साथ नॉकआउट करा, स्कैम ओपी को रिवाइवल देना होगा, बट ऊपर यहाँ पे डार्क हटाएंगे एलिमिनेट करने के लिए। क्या यहाँ पे एक एलिमिनेशन होगा, यस बिल्कुल, और ये फटा कैसे, ग्रनेड से या फिर किससे, ये क्या ही ओपी ग्रनेड यहाँ पे यूज करें शो YT ने, और यहाँ पे एलिमिनेशन निकाला टीम डार्क बॉयज के प्लेयर्स का, सीधा लोबी उन्हें भेज दिया है। स्लैक्स ओपी हेलो ब्रो वेलकम स्लैक्स, एंड स्लॉट 5 का नेम क्या है, स्लॉट 5 का नाम क्या है भाई, अरे मेरे को भी नहीं पता भाई, स्लॉट 5 का नाम है गाइस इटर्नल ट्रायंगल। अरे भाई व्हाट इज दिस, ये आर जॉर्ड ब्रो 10 बजे उनको टाइम मिलता है खेलने के लिए, ओके तो हम लोग चलते हैं टीम नंबर 5 पे गाइस, बहुत ही यू नो यूनिक सा नेम, बट
सारे प्लेयर्स का नेम अलग है और टीम का नाम है ट्रायंगल करके कुछ, क्या नाम था टीम का, नाम है इटर्नल ट्रायंगल भाई। वाह, अब ये इटर्नल ट्रायंगल भाई क्या सोच के तुम लोगों ने नाम रखा, जरा थोड़ा डिटेल में बताओ ना मेरे को, बड़ा मजा आता है। और रैप्टर्स फुल बूम बाम देगी टीटू, ओ ऐसा क्या, चलो देखते हैं गाइस, मजा आने वाला है बट वेट कर लो थोड़ा सा। और तो क्या ही बोलूं, और अभी वाइपर वगैरह से मेरी बात, वाइपर से भी बात हो चुकी है यार मैंने कि जो है टीडीएम टूर्नामेंट का क्या करना है, तो उसने भी कह दिया टीडीएम टूर्नामेंट होंगे बट उसके लिए हम लोग पहले जो है ये करने वाले हैं, वाइप से पूछ लेना, वाइप वाइप कौन है भाई, वाइप, अच्छा वाइप, ये वाइप ये क्या, ओ टीम नंबर 5 का प्लेयर है वाइप, मेरे को लगा ऐसा आयशा कहाँ है, आयशा तो बैन हो गई। गाइस प्लेयर्स निकलते हुए जोन के लिए टीम नंबर 5 जोन यहाँ पे बढ़ता है, 39 प्लेयर्स 12 टीम्स 12 टीम्स एंड डार्क डेमोन एलिमिनेट शो वाईटी का यू नो किलफील्ड इतना ज्यादा लेट है, एससी के जोकर यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, डेक्स्टर ओपी की अगर मैं बात कर लूँ तो नॉकआउट इन्होंने जरूर निकाला है, क्लोज इन में अगर देखूँ तो एससी के यहाँ पे जोकर जोकरो को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया, जोकर ओपी अभी भी बचे हुए हैं, केडीएस राज टीम नंबर 2 से यू नो अनरजिस्टर्ड टीम्स यहाँ पे है, एंड टीम नंबर 1 जो कि शायद एलिमिनेट हो चुकी है 0, एंड ग्राउंड पे अगर मैं बात करूँ टीम नंबर 22 दो प्लेयर्स के साथ आराम से वॉच टावर की तरफ होल्ड करने के लिए तैयार, जोन यहाँ पे होने के लिए तैयार है छोटा, और देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम कहाँ पे रोटेट करने वाली है। मिस्टर की टीम की अगर मैं बात करूँ 3 फिनिशेस, नोवो में यू नो एक टीम को वाइप आउट इन्होंने करा था, और उसके बाद कहाँ पे यहाँ पे लोकेशन होल्ड की गई है, ऐसी जोकरो एलिमिनेट, जोकर ओपी नॉकआउट, विनफोर्ड ओपी प्ले जोन से नॉकआउट होंगे, और शायद यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी बाला एंड मालपोए के लिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डैमेज यहाँ पे दे रहा है, और बाला यहाँ पे नॉकआउट होने की सिचुएशन पे है, बिल्कुल यहाँ पे सीट चेंज करनी होगी भैया, और यहाँ पे हेल्थ किट के लिए रुके हैं, हेल्थ किट लगाना चाहते हैं, और किस्मत अच्छी कि हेल्थ किट इनके पास है, लूट इनके पास है, तो कोई दिक्कतें यहाँ पे नहीं होंगी। जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा हो चुका है, 38 प्लेयर्स अलाइव हैं, पूरा यू नो पानी का एरिया जो है वो, ब्रो 6 का नाम बताओ, स्लॉट नंबर 6 का भी नाम अरे यार स्लॉट नंबर 6 तो बैठे एक फिनाउश आउट हो चुकी है, एक मिनट रुक जाओ बताता मैं स्लॉट नंबर 6 का नेम, स्लॉट नंबर 6 राजधानी एक्सप्रेस थी भाई, जॉर्डन वॉर्ड, ये क्या नाम था एकदम जहर वाला, कुछ भी यार कुछ भी मत रखो थोड़ा भाई, जिस नाम से तुम लोगों का क्लेन का नाम है ना उसी नाम से यू नो रजिस्टर्ड करे करो ब्रो, इससे पहले जो टीटू मैच हो आते थे वो रैप्टर्स ही जीती थी, रैप्टर्स बोलते, ओ भाई रैप्टर्स जीती थी क्या, अरे मैं भूल जाता हूँ यार थोड़ा सॉरी। चल रहे टीम नंबर 5 जॉर्जपुल सिटी में एंट्री करती हुई FW फॉरगेट एंड वॉरियर्स 3 प्लेयर्स के साथ, 37 प्लेयर्स अलाइव हैं गाइस, सारी की सारी टीम जोन के सेंटर में आपको देखने को मिल जाएंगी भाई, कितनी टीम यहां पे सेंटर में है, और यहां पे 666 की टीम जो कि एक यू नो स्क्वाड हाउस होल्ड करके यहाँ पे बैठी हुई है, शो आईटी एंड उनके साथ स्कैम ओपी, निशान पटेल नॉकआउट करेंगे एससी जोकर, ओपी को उसी के साथ ड्यूरिट ड्रूइड जो है वो यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, एंड भाई यहाँ पे हम लोग किधर की तरफ, मैं यहाँ पे यू नो देखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, D2C डेयर टू कंप्लीट 3 फिनिशेस के साथ अभी भी रोटेट करती हुई फुल ओपन में यहाँ पे भाग रहे हैं, व्हीकल्स नहीं, और ये कहाँ ये क्या चल रहा है भाई, ये मेरा नेट नहीं है क्या, या इस बंदे का नेट चला गया जो मार रहा है, ओ भाई ये बंदे का नेट चला गया, इसके टीममेट कहाँ है, क्रिप्टो, ओ भाई क्रिप्टो कहाँ है भाई, अरे भाई इसके साथ तो स्कैम हो गया, ओ भाई इसका नेट गया, कहाँ जा रहा है, ओ आ गया भाई जिंदा हो गया, अगला मशीन गन के साथ यू नो हॉस्पिटल के पास पूरे के पूरे टीम नंबर 16 जोन छोटा होता हुआ बैक टू बैक, ये अपना गजनी है सैंडे, अरे भाई वाकई में ये तो गजनी था भाई, टीम नंबर 22 अलाइव है, 14 आपको देखने को मिलने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डुओ में स्प्लिट है, एंड यहाँ पे लवलू ललित, अरे भाई ये क्या नाम है, अरे भाई ये तो जॉर्ड, डिले कितना है, डिले भाई डिले मेरे को करने की
जरूरत है बट मैं बताता नहीं हूँ कि कितना है, जितना है वो बेस्ट है इस T3 स्क्रीम्स के लिए। T2 स्क्रीम्स में आपको डिले देखने को मिल जाएगा एक OP वाला, कि आप लोग स्ट्रीम्स लाइव सोचना भी मत करने की। गब्बर ब्रो को अगर हम लोग चलें तो गब्बर के पास हम लोग चलते हैं, कार्य के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पे एक यू नो होल्ड करेंगे रिवाइवल। ओ भाई बचाने आ गया बंदा, टीम नंबर 14 का प्लेयर बहुत दूर से भाई बचाने आया है। AKM बोलते भाई, AKM बोलते हैं यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे TPP ले रहे हैं। 666 ब्लड सिनर्स की टीम है, 35 प्लेयर्स अलाइव है गाइस। जोन यू नो अगर मैं बात करूँ तो लगभग काफ़ी छोटा हो चुका है और अभी यहाँ फाइनली यार एक T3 मैच, थोड़ा आज फीलिंग आ रही है कि मैं एक अपने कस्टम थोड़े अच्छे जाने वाले हैं। बैड बॉय गेमर भाई हमें एक OP असॉल्टर दे दो। OP असॉल्टर यार आपको मिल जाएगा, देखो क्वेरीज वाला ग्रुप है वहाँ पे एक DM मैसेज डाल दे करो ग्रुप में कि भाई कोई असॉल्टिंग करता है तो वो आपको DM कर दे, बस इतना लिख दे करो। फालतू के वहाँ पे ऐसा मत करो कि वहीं पे चैट करने लग जाओ, स्ट्रीम स्नाइपर की बात नहीं ब्रो। ओह अच्छा वैसे पूछ रहे हो यार, ज़्यादा डिले नहीं है, अराउंड 10 से 15 सेकंड का डिले, 10 सेकंड का शायद डिले है। अच्छा वैसे स्ट्रीम स्नाइप हो नहीं रही है आजकल, बट इन फ्यूचर अगर हो तो मैं कह नहीं सकता देखो, बट अगर होगी तो मैं यू नो स्ट्रीम और डिले कर दूंगा, एक दो मिनट का, एक मिनट का राउंड तो कर ही दूंगा। स्ट्रीम स्नाइप करने में आसानी होगी ना, स्ट्रीम स्नाइप की 10 में से 6 स्ट्रीम स्नाइपर हैं। ओके भाई T4 प्लेयर्स अलाइव है गाइस, जोन यहाँ पे पूरा का पूरा जाता हुआ LG एप्पल एंड यहाँ पे डेक्स्टर की टीम को बहुत ज्यादा फेवर करने वाला है, बिकॉज एकदम यू नो एक ओपन में और एक अच्छा खासा रीच जो है वो इन्होंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है। कोई भी टीम ओपन से यू नो यहाँ पे रश करने तो नहीं आने वाली है, ये तो कन्फर्म है। और यहाँ से जो किल निकलने वाले हैं टीम नंबर 11 के, मतलब बहुत ही ज्यादा यहाँ पे किल पॉइंट्स निकालने वाले हैं बिकॉज 34 प्लेयर्स अलाइव है यार। और देखते हैं भाई कौन सी टीम यहाँ पे कितने चिकन डिनर निकालती है। ये मैच इसके बाद होने वाला है मीरामार, तो उसमें भी आपको एक अलग लेवल का गेम प्ले देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे स्काईलाइट अस्ता M24 यहाँ पे बैक टू बैक चल रही है टीम नंबर 24 के ऊपर, और यहाँ पे टीम नंबर 14 के प्लेयर नॉकआउट होते हुए। एविल लूप टीम नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ भाई, काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रही है, रोटेशन देगी। एविल स्पाइडी नॉकआउट हो चुके हैं, नाइट स्पाइडी यहाँ पे नॉकआउट हो गए ट्रायंगल के टीम से, स्मोक वहाँ पे किया गया है गायरो को बचाने के लिए। एंड यहाँ पे भाई दिक्कत है, दोनों प्लेयर नॉकआउट हैं और यहाँ पे भाई AKM बोलते हैं एंड उनके टीममेट, ओ भाई यहाँ पे AKM बोलते तो फिनिश हो चुके हैं। और यहाँ पे ललित ब्रो कोई भी उम्मीद करना बेकार इनसे कि यहाँ से हटने वाले हैं, ये इस नाली से भाई अपने प्लेयर को बचाने नहीं जा पाएंगे बिकॉज भाई हर जगह प्लेयर्स हैं, उठेंगे तो गोलियां पड़ेंगी, जाएं तो जाएगा। डेयर टू कंप्लीट MK14 के साथ फाइट लेने के लिए तैयार स्मोकर, एंड यहाँ पे गाइस 3 प्लेयर को नॉकआउट कर चुके हैं। लास्ट प्लेयर एविल नूब जो कि काफ़ी ज़्यादा दूर, कवर फायर देनी होगी, 1v1 की फाइट हो सकती थी बट नहीं, यहाँ पे D2C के प्लेयर्स बचाएंगे अपनी टीम को। कॉफीन यहाँ पे 2 प्लेयर को बचाया, ओ ये तो नॉकआउट पड़े, रॉकी ने बचाया भाई, रॉकी एंड क्रिप्टो। और ये क्या मजाक हो गया इनके साथ, रिवाइवल देने जा रहे थे स्मोक्स में, गाड़ी फटी एंड एलिमिनेशन दोनों प्लेयर्स का। किल मिलेगा किसको पता नहीं भाई, किसको ये किल मिलेगा क्योंकि किल फील्ड में नाम ही नहीं आया अभी तक। अगला मैच तो मैं आऊँगा स्लॉट 5 से, अरे भाई बहुत बढ़िया आना। वार गॉड ब्रो डिले बढ़ा दो, डिले बढ़ाने की जरूरत है क्या भाई अभी? अगर आप लोगों को लगेगा ना कि बंदे स्ट्रीम स्नाइप करके आपको मार रहे हैं यार तो बिल्कुल बताना, लेकिन मेरे को नहीं लगता क्योंकि इतनी टफ फाइट्स हो रही हैं, इतनी टफ सिचुएशन है इसमें यू नो स्ट्रीम स्नाइप कोई टीम करेगी, बिकॉज जितनी देर में वो स्ट्रीम देखने जाएगा उतनी देर में तो वहाँ पे भाई रोटेशन चला जाएगा, रश हो जाएगा दूसरी टीम का। यहाँ पे फॉरगॉटन वॉरियर्स की टीम को अगेन यहाँ पे ब्लड सिनर्स भाई बैक टू बैक 2 से 3 टीमों को यहाँ पे वाइप आउट कर चुकी है, काफ़ी अच्छा आज खेल रही है। 2 प्लेयर्स ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा जॉर्ड प्लेयर्स, स्कैम OP जब से इनकी टीम में आए हैं कल से मैं इन्हें देख रहा हूँ भाई, टीम का लेवल बढ़ चुका है। एंड यहाँ पे मिस्टर #, स्क्वाड हाउस से बग्गी निकाल के जोन की तरफ रवाना होते हैं पूरी की पूरी टीम के साथ। 4 प्लेयर्स यहाँ पे बचे हुए हैं, 22 प्लेयर्स अलाइव, 9 टीम्स,
टॉप 10 में अपनी एंट्री कंफर्म कर ली है। लेट्स सी यहाँ पे चिकन डिनर निकालना है, सेकंड पोजीशन तो एटलीस्ट निकालनी पड़ेगी ताकि भाई आप लोगों को यू नो T2 में यू नो एक स्लॉट मिल सके, बिकॉज 30 टीम्स जाने वाली हैं आगे एंड वहाँ से जो फाइनल मैच होने वाला है 16 टीम वहाँ से जाने वाली है, मतलब 30 में से 14 टीम बाहर भी होने वाली हैं। भाई ये भी तो भाई अलग ही लेवल का होने वाला है, आगे जाके बहुत मजा आने वाला है। गाइज अगर आप लोग सपोर्ट करोगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मारते रहो चैनल को भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप को शेयर कर दो हर जगह, सबको पता चल जाना चाहिए कि भाई स्क्रीम सो रही है यहाँ पे सबसे ओपी वाली रोहित ओपी एक्सटी की तरफ से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चारों प्लेयर्स लाइव और एक यू नो बाउंड्री बिल्कुल जोन के एजेस पे घूमने की कोशिश की जा रही है कि एक लोकेशन उन्हें हल्की सी मिल जाए थोड़ी देर और सर्वाइव करने के लिए, या फिर कह सकते हो यू नो थोड़ा फाइट लेने के लिए जहाँ पे एक रुक के फाइट ली जा सके और थोड़ा वेट किया जा सके। हैकर यहाँ पे नॉकआउट करेंगे 666 की टीम की, अगेन एक और फाइट। स्कैम ओपी यहाँ पे बचे हुए हैं, शो YD नॉकआउट हो चुके हैं, स्मोक्स करना होगा अपने प्लेयर को बचाने के लिए बट शायद एक पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ब्लीड आउट यहाँ पे हो चुके हैं। ग्रेनेड आया है काफ़ी ज़्यादा क्लोज एंड अभी दिक्कत है यहाँ पे स्कैम को हो सकती है, सांप बन के यहाँ पे जरूर लेटे हुए हैं, अपने टीममेट की पेटी लूटी जा रही है। EXT मालफॉय का एक ओपी ग्रेनेड, 3 नॉकआउट, भाई क्या ग्रेनेड यहाँ पे यूज किया गया है और दूसरा ग्रेनेड और 3 बंदे फिनिश। भाई मालफॉय ओपी इन द चैट कर दो गाइस इस बंदे के लिए, क्या ही यहाँ पे ग्रेनेड, एक वेल कुक ग्रेनेड 3 बंदों को नॉकआउट करने का, मतलब भाई बहुत ही तगड़ा ग्रेनेड। कास्टिंग ओपी यार, कास्टिंग तो तुम्हारे भाई की एकदम जॉड वाली है ही, पैसा वैसा अपनी कास्टिंग तो ऐसी है बिल्कुल पैसे वैसे देने के लिए तैयार है पब्लिक कि भाई हमारा रूम कास्ट कर दो। और अगर मेरे को यू नो पर्सनल एक कमरा मिल जाए ना अलग से जहाँ पे बिल्कुल भी मैं फुल बच्चोदी फुल एकदम फुल लेवल की कास्टिंग कर सकूँ तो कदम से एकदम जहर मजा आएगा भी यू नो, थोड़ा डर रहता बिकॉज बाहर रोड पे आवाज वावाज जा रही होगी कोई सुन लेगा तो थोड़ा सीन वगैरह रहता है ना भाई, वो ही वैसा सीन है, वरना तो तुम्हारा भाई एकदम अलग ही लेवल की कास्टिंग कर दे फिर क्या BKGC और क्या कास्टर मावी सबको टक कर देंगे तुम्हारा भाई दोनों तरफ से गाइस। चोरी चोरी वाली स्ट्रीम भी और भाई प्रोफेशनल वाली कास्टिंग चाहिए तो वो भी तुम्हारा भाई कर देगा एंड बकचोदी वाली जब करेगा तो बकचोदी वाली भी करेगा, वो भी करेंगे एक बार थोड़े यू नो सब्सक्राइबर बढ़ जाए, 10K हो जाए, थोड़ा 10K सब्सक्राइबर अराउंड हो जाए, महीने के 10-12 हज़ार रुपये आने लग जाए तो फिर सोचते हैं थोड़ा फेस कैम वगैरह करके ना एकदम फुल हार्ड वाली। लेट्स सी गाइस 14 प्लेयर्स अलाइव है, जोन काफ़ी ज़्यादा छोटा और मैच बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, मज़ा आ रहा है देखने में तो खेलने में तो क्या ही मजा आ रहा होगा भाई इन प्लेयर्स को, बैक टू बैक फाइट हो रहे हैं। मिस्टर की टीम ग्रेनेड आता हुआ दोनों प्लेयर्स को लो करेंगे और ये 4 प्लेयर्स अभी भी बचे हुए हैं, एक वेल को ग्रेनेड हमें देखने को मिलने वाला है, क्या इस ग्रेनेड के साथ यहाँ पे टीम खत्म होगी। भाई दोनों के ग्रेनेड एकदम ओपी डायरेक्शन में, हैकर ब्रो तो बिल्कुल हैकर निकले, मतलब क्या ही ग्रेनेड यहाँ पे जा रहे हैं, एकदम सटीक ओपी वाला ग्रेनेड दिया इन्होंने, उधर से भी एक अच्छा ग्रेनेड था बट ये लोग यू नो मूवमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ। 10 प्लेयर्स लाइव है, 1v1v1v3v4 EXT रोहित एलिमिनेट हो जाएंगे प्ले जोन से, बाला ओपी आई थिंक प्ले जोन में है, जोन के अंदर है, स्मोक किया है अपने आप को थोड़ा सा कवर लेने के लिए ताकि इन्हें कवर मिल सके और थोड़ा आगे जा सके, बिल्कुल जाएंगे। और भाई यहाँ पे 666 स्कैम ओपी TDR मॉन्क को नॉकआउट करा गया, ड्यूरेट की टीम की अगर मैं बात करूँ 1 HP यहाँ पे ग्रेनेड के साथ नॉकआउट होंगे। लास्ट प्लेयर रोहित अपने आप को बचाने की कोशिश बट नहीं, यहाँ पे भैया हैकर भाई तो किसी को छोड़ ही नहीं रहे भाई, फुल एकदम ओपी लेवल का गेम प्ले, 8 फिनिशेस भाई, क्या ही ये गेम, क्या ही ग्रेनेड्स। लो और यहाँ पे मिस्टर चिचा यहाँ पे आ चुके हैं, चारों के चारों प्लेयर बचे हैं, 11 फिनिशेस, एक अच्छा डोमिनेशन एंड यहाँ पे ग्रेनेड जा रहा है स्मोक की तरफ और क्या ये फटेगा, नहीं यहाँ पे अभी तक तो नहीं। 1v1v4 की एक फाइट है, इजी चिकन डिनर मेरे को देखने को मिल रहा है टीम मिस्टर की तरफ एंड यहाँ पे एक मोली गई है एग्जैक्ट और यहाँ पे लगी भी मोली और क्या स्कैम होती है यहाँ पे भाई, मोली नहीं यहाँ पे गाइस, भाई ये किल जाता हुआ हैशटैग के लिए,
स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इस टीम के लिए, बट लास्ट पूरा मैच इन्होंने बदल दिया है फुल एकदम। मुंबई आजा देता हूँ रूम, ए पैसा भी तो चाहिए वहाँ आने के लिए, फिर खर्चा वर्चा। और यहाँ पे घासों में स्पॉट करा गया और एलिमिनेट करा है फाइनली फाइनल प्लेयर को। एंड एक बहुत ही इंटेंस मैच के साथ एक इंटेंस चिकन देखने को मिल चुका है। 1v4 की फाइट थी, इजी थोड़ी जरूरी थी, बट भाई बाला ओपी की एक ओपी कैंपिंग भी वहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे वो जगह मिली उन्हें। एंड ये रहा भाई पूरे मैच का रिजल्ट स्क्रीनशॉट। यार नोवा एक स्क्रीनशॉट लेके मेरे को सेंड कर दियो यार भाई। एंड ये रहे द 3 स्टार प्लेयर आज के मैच के, मिस्टर हैकर। सभी को पता है भाई सबसे ज़्यादा फिनिशेज होने वाले हैं इस प्लेयर के, चिचा ओपी मिस्टर। भाई तीनों प्लेयर सेम टीम के, साइको द लास्ट फिनिश पॉइंट उन्होंने निकाला अपने टीम के लिए। एंड मिस्टर चचा अपने टीममेट्स को बैक टू बैक रिवाइव किया है भाई प्लेयर ने। तो ये रहा पूरा पूरा मैच का रिजल्ट। एंड जो लोग भी चैट पे हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और हम लोग चलते हैं उसके बाद दूसरा रूम बनाने। ए भाई एंड सारे के सारे भाई लाइक कर दो, 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दो आज, बहुत दिनों बाद अगर 50 लाइक्स कंप्लीट होते हैं देखो बहुत बढ़िया लगेगा यार, और तो कुछ नहीं कह सकता। जरा मैं ये पे यू नो स्क्रीनशॉट वाइपर को सेंड कर दूँ, बिकॉज उसने मेरे को कहा था यार स्क्रीनशॉट तुरंत सेंड कर देकर बाद में दिक्कत होती है, तो वाइपर को मैंने डाल दिया स्क्रीनशॉट कि ये रहा भाई पहले मैच का रिजल्ट। नोवा ने भी भाई टाइम से स्क्रीनशॉट भेज दिया, नोवा मैंने ले लिया था वैसे। भाई पहले ही बता दूं अनरजिस्टर्ड टीम्स को यार स्लॉट अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज़ यार मत बोले करो। RON गेमिंग कर दिया ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। ब्रो सब्सक्राइबर मोड ऑन कर लो, आई थिंक वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। अरे मेरा सब्सक्राइबर मोड ही ऑन सब्सक्राइबर मोड ऑन नहीं है क्या? आई थिंक मेरे ख्याल से तो ऑन रहता है, बट तुम लोग सीरियसली सब्सक्राइबर मोड ऑन नहीं है क्या? मैं तो ऑन रखता हूँ वैसे, बट एक बार चेक कर लेता हूँ खुद ही मैं यार। अनसब्सक्राइब करो, लाइव चैट जाओ एंड वेट। हाँ मैं चेक कर रहा। अबे यार एक तो कुत्तों ने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा। सब्सक्राइबर मोड ओनली तो है, हाँ सब्सक्राइबर मोड है। अरे सब्सक्राइबर मोड ही है। 1.88 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, 1.9K कंप्लीट करवा दो और जल्दी से 2K भी करवा दो यार। RON गेमिंग वेलकम भाई, थैंक यू सो मच ब्रो। गाइस हम लोग चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। इनवाइट मेरे को आ जाएगा अभी 2 मिनट, यू नो कितने 7 मिनट है रूम को बनने में, तब तक आप लोग क्या करें हम लोग। किसी को TDM वगैरह खेलना है एक 1v1 तो वो आ सकता है मेरे साथ, अभी मैं बनाता हूँ एक रूम। ओ भाई वार गॉड ब्रो, यस बोलो क्या हो गया? ऑन है, हाँ ऑन है ना, वही तो सब्सक्राइबर मोड मेरा ऑन ही रहता है। चतन ब्रो थैंक यू फॉर यू नो इतना सोचने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। ब्रो तूने नया डिवाइस लिया है क्या? नहीं भाई गरीब आदमी भाई, हम कहाँ डिवाइस वाइस लेंगे भाई। मैं आऊँ अजन हुआ चल आजा, मैं करूँगा 1v2। ओ भाई आजा भाई बिल्कुल आ जाओ, रिक्वेस्ट डाल दो मेरी ID पे और आ जाओ जल्दी से आ जाना। ID नंबर मैं बता दूँगा, देखो मैं बताता ID है ना, मेरी ID है ये 5130365130036
9048411 आना है, जो भी आना है भाई वो आ जाओ, उससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी आओ। आईडी लिख लो 5130369084। और मैं थोड़ा एम असिस्ट मेरा ऑफ है क्या, ये चलो ऑफ ही रहने देते हैं, फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑन करेंगे। भाई इस आईडी पे रिक्वेस्ट डाल देना और अपना नाम बता देना और आ जाओ रूम में, मैं रूम बना रहा हूँ। टीडीएम जिसको भी खेलना है, वन बी वन जिसकी खुजली, जिसको ही खुजली अपनी मिटवानी है, आ जाओ। मैसेज क्या है, एविल गॉड गेमिंग मेरे साथ क्यों नहीं खेलते भाई, तुम्हारे साथ क्यों नहीं खेलते क्या भाई, मैं तो ये अभी ऐसे ही खेल रहा हूँ ब्रो। भाई अपनी जरा नाम पिंग कर दो, जिसने भी रिक्वेस्ट डाली है अगर, तो और नहीं डाली तो फिर मत डालो, बिकॉज मेरे पे इतना टाइम नहीं है, लास्ट 4 मिनट बचे हुए हैं, मेरे को दूसरा रूम भी बनाना है अपना पर्सनल जो कस्टम का है, वरना मैं नोवा को बुला के खेल लूँगा उसके साथ। यूट्यूब गॉड भाई, रिक्वेस्ट ही नहीं आई तो क्या यूट्यूब गॉड। YouTube God भाई मत करो, रिक्वेस्ट डालो, रिक्वेस्ट आईडी पिंग करी हुई है भाई 5130369084 है, 484 है गाइस, 4840 नहीं है, अबे जीरो नहीं है भाई, पता नहीं किसको भेज दी भाई इन्होंने, नाम ही देख लेते भाई, UB14 सैंडी नाम है उस आईडी का, ये आईडी है ये, जिसको भी आना है आ जाओ और जल्दी से आ जाओ, लास्ट 2 मिनट में यू नो, अगर आ गए तो ठीक है, वरना भाई मैं जा रहा हूँ, बिकॉज मेरे को रूम बनाना है दूसरा, मैं यहाँ पे नोवा को इनवाइट करूँगा और हम दोनों खेलेंगे। और सारे के सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मार दो यार एक बार भाई, 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट से ऊपर ही नहीं हुई, पता नहीं, एक्सेप्ट ऑल कर लेता हूँ। भेज दिया भाई रिक्वेस्ट, भाई किस नाम से भेजा है, बोला तो था भाई किस नाम से भेजा है ये भी तो बताना होता है। एनजी बीस्ट से लगाओ रिक्वेस्ट, भेज भाई, अबे नोवा तू रहने देना भाई, मैं कभी खेलूंगा रूम, एविल रेंजर को लेता मैं रूम में, स्लाइड ऑफ कर दियो भाई, अबे भाई आ तो जा नोवा, रुक जा नोवा 1 मिनट, इनवाइट कर ले भाई, मैंने सबको इनवाइट करा, जो आएगा उसके साथ ही स्टार्ट कर दूंगा। अरे एविल रेंजर मैंने एक्सेप्ट कर ली यार तेरी रिक्वेस्ट, अब तू 1 मिनट रुक जा, बस एक मैच खेलने दे इसके बाद।
रुक जाओ यार, मैं थोड़ा रूम बना दूं और आईडी पास दे दूं। रूम कब है? रूम इसके रूम है अभी तुरंत, मैं रूम बना रहा हूं। मीरामार अरे रुक जाओ, रुकना भाई रुकना, मैं जरा वाइपर को पहले आईडी दे दूं। चल भाई थोड़ा भी टोचन दे दे पहले, फिर उसके बाद बातें करते। Cover me. Reloading. Cover me. अरे भाई कहाँ, भाई कहाँ स्लाइड स्लाइड करके घूम रहा है तो। अबे यार ये व्हाट्सएप पे पता नहीं क्यों चूतिया लोग मैसेज करते रहते। अबे भाई रिलोड, उसको हेड लगा फिर भी। चोरी भाई, तो अभी कॉल करो, करेंगे भाई लोग, भाई लोग रूम 1v1 कभी जिस दिन कस्टम नहीं होंगे। अबे एक तो ये व्हाट्सएप पे मैसेज मेरे को मार रहे हैं पता नहीं क्यों, संयम चूतिया। चला अगला तो फुल कैंपर है भाई। Cover me. Dead. चलो बेटा घर जाओ, बहुत देर हो गया, मजाक। धूप से निकल के आसमां पिघल के। ओ भाई अपन तो फिल रहे हैं बे। ए भाई ये तो यहीं पे। Cover me. ओ भाई 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 ए मैसेज स्टॉन ही कर लो भाई। वे कितना फ्री फायर देते हो, ये एक एक केड़ी के जो है ना टेडियम खेल खेल के बस फ्री फायर का गेम। भाई ये कौन सी आईडी है? अबे ये भाई ये तगड़ी वाली आईडी है।
over, and the red team is in the lead. अबे भाई जाइरो चल जा। यार अगला स्लाइड यूज कर करके जो भाग रहा है ना, क्या ही बताऊं। अबे ये क्या हो रहा है, मेरी गोली क्यों नहीं लग रही। क्या लगता है 4 मिनट में मैं अपनी रेड ले लूँगा वापस। साला चल भी तो नहीं रहा मेरा गेम। थोड़ा हाथ सेट होने में टाइम लगता है। अभी थोड़ा हाथ ही मेरे चिपक रहे हैं। ज्यादा लोल नहीं कर रहा है भाई तू। हाँ भाई मैं हक तो रहा हूँ बहुत। कितने की लीड है 4 पॉइंट की तो है भाई। अगले की प्री फायर तो देख, भैंस की आंख बंदा आता नहीं, प्री फायर पहले ही चालू हो जाती है। ये फिनिशर वाला गेम प्ले है यार इसका, वहाँ बीच में दुपकना। अब देख मैं इसे ढूंढता ही रहूँगा। स्लाइड कर करके भागे जा रहा है। ये देखिए फायर ही नहीं हुई। वाह देख स्लाइड करके गया यार। अद्दे बे ऐसे थोड़ी ना खेल पाऊंगा मैं। ये देख गोली नहीं लग रही, समझ में नहीं आ रहा क्यों। अबे छोड़ भाई, मूड खराब होता है भाई, स्लाइड क्यों करते हैं चूतिया। ए वो तो मेरी आदत है। अबे यार टाइम ही खत्म हो गया। अबे जैन तरुण वाइडे आई लव यू ब्रो। वीडे भाई अगले से थोड़ा सा तसल्ली में खेलना पड़ेगा, बढ़िया प्लेयर है। अरे चैट पढ़ पढ़ के नहीं खेल पाएंगे। Dead. थोड़ा सा टाइम लगेगा तब। फिर
और यहाँ पे भाई रूम में कितने जने आ गए? 20 जने आ गए। अगले बताओ भाई, एक केड़ी वाले बंदे भी पेल देते हैं भाई। हम तो सोच रहे थे हम ब्रो हैं, ढोंडे ने तो पेल दिया मेरे को। टाइम कितना हो गया? 10:10। अबे 10 मिनट बचे हुए भाई, ये बंदे कहाँ चले गए? रूम वाले कस्टम वाले प्लेयर्स किधर गए? एमएक्स स्कॉर्पियन, इसने क्या लिखे थे? गेम हार गया, यूट्यूब हार गया 8 की लीड से। ओ भाई बहाने। अरे यार भाई सही में वो बढ़िया खेल रहा था लड़का भाई। गेम से कुछ नहीं होता भाई, अच्छा लड़का है सैंडी भाई, मेहनत करके 2K सब्सक्राइबर होने वाले। अरे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता, ये चूतिया लोग डेली आते हैं स्ट्रीम पे। एमएक्स स्कोरियन भाई, वो तुम मेरे साथ आओ फिर देख लेंगे। अबे यार जिस दिन मैं जब मैं 1v1 कर रहा होता हूँ ना, तभी 1v1 करे करो। ये तो मैंने ऐसे ही 1v1 कर लिया था, मेरे को पता था कि मैं जीत जाऊँगा, तो उसने मेरे को हरा दिया। अब क्या कर सकते हैं भाई, बढ़िया खेला लड़का, हरा दिया उसने मेरे को। हम चूतिया खेले इसलिए हार गए। तो इसमें क्या मतलब, 8 की लीड से हरा दिया और 10 की लीड से, 50 की लीड से हरा दे, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे 2K सब्सक्राइबर्स हैं उसके नहीं हैं। और तेरी चूतड़ों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तू भी कर लियो किसी दिन 1v1। ये शुगर मानो मैं 1v1 कर भी लेता हूँ, वरना जाओगे ना और यूट्यूबरों के पास, तुम्हारी चूतड़ों पे लात मार के तुम्हें भगा देंगे हाइड करके, कि जा चूतिए जा 1v1 होता है वहाँ कर ले। ठीक है मैं तो खुद भाई 1v1 करवाता हूँ कि आओ 1v1 करो मेरे से, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। तूने नोवा उसको हाइड क्यों दिया भाई? साले इसकी रेल बनाता मैं थोड़ी देर और। चूतिया बंदे, अरे संयम, ओ भाई संयम की स्क्वाड भाई, इनसे बंदा नहीं मार पाते और बंदा बड़ा बात करते हैं चैट पर। अरे तगड़े प्लेयर हैं भाई ये प्रो लेवल के प्लेयर्स हैं भाई। देख हम नहीं हैं, हम नूब लेवल के प्लेयर्स। भाई मिस्टर चिच्चा ब्रो आ चुके हैं। चिच्चा भाई बहुत तगड़ा मारा था भाई चिच्चा की टीम ने पिछले मैच में। लेट्स सी मिस्टर हैकर भाई बहुत तगड़ा खेल रहे थे, फुल जॉर्ड प्लेयर। अरे अरे अबे तुम लोग अपनी टीम लेके क्यों? ओ भाई अबे ये लोग आ क्यों नहीं रहे भाई अपनी टीम लेके? अरे मैं ट्राई कर लेता हूँ, मेरा करा दो। हाँ अभी अतिशय को, अभी जिसको भी जो है मेरे से 1v1 करना हो भाई, पहले जो है मेरे जो है यू नो राइट हैंड से 1v1 करना होगा, उसके बाद मेरे से 1v1 करना होगा, ऐसा करना पड़ेगा अभी। भाई टीम प्लेयर आ चुके हैं 64, लास्ट 1 मिनट है और उसके बाद मैं झटके से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये प्लेयर्स को थोड़े चढ़ गए ये लोगों को। अभी रूम में ज्वाइन कर रहा हूँ। अरे तो जल्दी करो ना भाई, लास्ट 1 मिनट है, ऐसे कैसे चलेगा? तुमको भी सुना दूँ क्या? भाई थोड़ा टाइम से रूम ज्वाइन कर ले करो यार, क्या जब मुँह उठाया तब रूम ज्वाइन कर लिया? भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे?
और भाई UP14 सैंडी वाली आईडी पे ना अब रिक्वेस्ट मत डालो, बिकॉज उस वाली आईडी से कल से मैं ऑनलाइन नहीं आने वाला हूँ, वो आईडी सेल हो चुकी है मेरी, पहले ही बता दूँ। और अरे मेरे पास फ़ोन आने दे, फिर करा देना किसी से भी 1v1। ओह भाई साहब नोवा ने भयंकर फुल रेल, नोवा फुल जोश में। भाई किक मत करो स्लॉट 21 में। नहीं देख सकता, फ्लैंकर्स है क्या? फ्लैंकर्स होनी तो चाहिए भाई, उन्होंने रजिस्टर्ड करा था, बिल्कुल है। वादू है, ड्रैगन है, लीजेंड सोहिल सोहम 21215। और टाइम 10:16 हो चुके हैं और मैं मैच करने जा रहा हूँ स्टार्ट। और एक मिनट रुको, ईयरफोन ये थोड़ा चेंज वेंज कर लूँ मैं। वाइपर स्टार्ट कर दे, हाँ कर दिया। पहले अतिशिया को मारूंगा 40-0 के। 180 क्यों नहीं है क्वालिटी? 180 नहीं है क्या भाई? 180 मेरी तो है। अरे हाँ 720 क्यों है भाई? मेरे को भी नहीं पता भाई 180 क्यों नहीं है। अरे अरे अबे यार आजकल 180 नहीं है, क्योंकि ये मैंने जब से फ़ोन स्विच वो कराए रीसेट पूरा, मतलब रीसेट बोल रहा हूँ, हाँ रीसेट मारा है ना, तब से नहीं है 180 क्वालिटी। वो मैं भूल जाता हूँ बार बार उसे सेटिंग से चेंज करना। मुझे कर लो रूम। अरे जाना भाई चूकिए। अरे वो सब छोड़ो भाई, मैं यहाँ पे रूम स्टार्ट कर रहा हूँ। 84 प्लेयर्स आ चुके हैं एंड सोलो वगैरह प्लेयर्स को यहाँ पे भाग मारो गोली और रूम कर दो स्टार्ट, बिकॉज ज़्यादा डिले होना सही नहीं है। अरे ये अतिशय का रूम लगाओ भाई इसके साथ पहले। ये मेरे को लग रहा है इस मैच इस कस्टम के बाद कर लेना जिसको भी रूम करना है तसल्ली से। तो साला वहाँ पे कस्टम के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे कि भाई हमारे स्लॉट से मैं ये आ गया, हमारे स्लॉट में वो आ गया। उधर से भाई यहाँ पे चैट चल रही है, गेम में फोकस तो हो ही नहीं पा रहा अपना। कैसे मारेंगे हम प्लेयर्स? अभी रुको तुम्हारी रेल बनाता हूँ, 5 मिनट रुक, ये मैच रुक जाओ साल, तुम्हारा खिलाड़ा ही बना दूँ आज सबका। तो MOD लगाना भाई, मोड लगाना भाई, भूल जाता है YT पे गजनी। अबे नाइट बोट ऐड कर दूँ क्या अभी छोटे मोटे कामों के लिए? फिर से नाइट बोट मेरे लिए लक्की भी था भाई। चलो नाइट बोट को मारो गोली और हम लोग चलते हैं कस्टम पे। कस्टम पे गाइस मैं अपने स्क्रीन जो है स्ट्रीम को दोबारा से देखूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए ऐड का पैसा, ऐड देखना है भाई, ऐड देखना है मेरे को। प्लेन पर जो है वो यहाँ पे जा रहा है कहाँ से, लॉस हाइगर्स, एंड वहाँ से जाने वाला है चुम्मा केरा, लॉस लियोन्स, पिकार्डो कवर कर लेगा पावर ग्रिड, ग्रेवयार्ड के ऊपर से जा रहा है माइनस जंकयार्ड, अलहजर, एंड गाइज यहाँ पे टेरा ब्रोनका, एंड उसके बाद कैंपो मिलिट्री पे जाके आप लोगों को करने वाला है ड्रॉप। आप लोग जब तक प्लेन पाथ देखो, मैं एक मिनट में आया अपने बाकी के 3-4 फोन लेके घर के, और उनसे थोड़ा वॉचिंग वगैरह बढ़ाई ली जाए, अपनी एड्स वगैरह डाल दी जाए और पैसे वैसे कमा ले थोड़ा। अरे लो बच गए। अरे
बच गए भाई, बच गए। फोन तो यहीं पे था। श्रेयांश, अयान भाई ओपी है। आओ अयान भाई, लेट्स सी ओपी है या नहीं, देखते हैं। हाँ भाई, हीटर कैसे लगा हाँ भाई हीटर कैसा लगा, टाइम आउट? अच्छा तूने इधर टाइम आउट दे रखा था क्या? ए भाई नोवा भी जॉर्ड है भाई। चलो अब देख, मैं अब देख अपनी वॉचिंग बढ़ाता है ना। हाँ वही, क्या दो की वॉचिंग बढ़ जाएगी। अभी मैंने दो फोनों से जो है कर दिया काम। और ये क्या भाई, कौन उड़ रहा है हवा में इतनी देर से? अरे अयान भाई, कैसे आज ही सारी उड़ान भर लोगे भाई? तब से देख रहे हो, उड़े ही जा रहे हैं, उड़े ही जा रहे हैं। अरे थोड़ा भाई जमीन वमीन पे उतरो। नोवा स्किप ऐड मत करेगा, बार बार स्ट्रीम देखेगा और स्किप ऐड मत करेगा। थोड़ा तुमको बता रहा हूँ मैं, थोड़ा समझदार हो जा, दो चार पैसे कमाने दे और खुद भी कमा। फेद इमरान के साथ अयान निकल चुका है अपने ड्रॉप लोकेशन, जहाँ ऐसा कि हमेशा वो लोग जाते हैं। यहाँ पे कौन से ये क्या ये भाई, कौन सी इम्पाला में, और हमेशा यहाँ पे इनकी फाइट देखने को हमें मिलती है। टीम नंबर भाई, ये टोक्यो एविल वॉल्फ एलिमिनेट हो चुके हैं। पहली फाइट आपको देखने को मिल जाएगी EL VR Sky EL के यहाँ पे, अवध 4LN हिटमैन एंड स्लेयर ओपी 4 प्लेयर्स के साथ, टीम नंबर 23 के साथ एक ओपी फाइट। 83 प्लेयर्स अभी भी अलाइव हैं और देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। गाइस ओनली 18 लाइक्स यू नो बचे हुए हैं 50 लाइक्स कंप्लीट के लिए, तो जल्दी से कर दो यार 50 लाइक्स कंप्लीट। एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिस लोग जिन भी लोगों को कस्टम्स खेलने हैं डेली 3 and 4 PM एंड 9 and 10 PM, और उसी के साथ वो भी कर लो, क्या बोलते हैं उसे, हाँ एक और अभी यू नो स्क्रीम्स में एक और चेंजेस होने वाले हैं, मतलब 6 और 7 PM भी स्क्रीम्स होने वाली हैं। सुन भाई स्किल है, सुन भाई स्किल मुंह से सब बोलते, स्किल मुंह से सब बोलते मतलब क्या भाई, तू बहुत हकता है। हाँ यार भाई मैं, अरे भाई मैं बोल तो रहा हूँ, अरे भाई आई एम नू ब्रो, अरे मैं नू हूँ भाई। इमरान भाई ओपी बोलते, याशिम निशा वेलकम बैक, वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। एंड चलते हैं स्लेयर के पास, डेक्स्टर को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया इस बार भाई, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। यहाँ पे EXT की टीम LG एप्पल जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, यूसी के साथ फाइट हो चुकी है एंड यहाँ पे ड्रुइड को करा गया है नॉकआउट। अयान यहाँ पे EXT के स्मोकी को नॉकआउट करेंगे और यहाँ पे फिनिश आउट भी करेंगे भाई। फेथ इमरान अयान के साथ एंट्री लेते हुए इम्पाला की साइड एक टीम को यहाँ पे एलिमिनेट कर चुकी है टीम रेस्को गेमिंग YT की, अगर मैं बात करूँ वो यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं। इस बार मैंने फायर भी करके खेला, हाँ हाँ बहुत बढ़िया भाई। इस स्ट्रीम पे कहीं नहीं लिखा है कि सैंडी प्रो है, यस मैं ना मैंने बोला भी नहीं भाई मैं प्रो हूँ पहली बात तो। ओह पेन किलर, अरे भैया यहाँ पे पेन किलर मारी जा रही है EXT के थ्रो, ओ खेतर ब्रो। अरे पेन किलर लेके यहाँ पे जो भागे हैं देख सकते हो आप लोग, एग्जाम के लिए खेल नहीं रहा नहीं, दो की केडी नहीं रहता मेरा। ओ भाई 5 की केडी होती तुम्हारी भाई, मैं समझ गया ब्रो तुम जोनाथन के बाद तुम ही हो अब जो हो देवता इसके गेम के। अभी फिलहाल अपनी तारीफों के पुल बांधने कम कर दो और मेरे को भाई कास्टिंग करने दो थोड़ी सी। बहुत बढ़िया खेले तुमने मेरे को पेला। NFS क्वीन को यहाँ पे INS के रोनी नॉकआउट कर चुके हैं। वेयर इज टीम NFS? क्रिश ओपी WDF निंजा दो प्लेयर्स के साथ यहाँ पे, INC बाबा शेडी उनके साथ यहाँ पे, ग्रेवयार्ड पावर ग्रेड ही है, यस पावर ग्रेड पे आप लोगों को टीम देखने को मिल जाएगी। ओए भैया निंजा भैया के यहाँ पे प्लाई हो चुकी है और यहाँ पे क्रिश ओपी भाई काफी
ही अच्छा खेल रहा है अपनी टीम के लिए, हमेशा यू नो नॉक्स निकालता है, इस बार भी निकाले थे, बट यू नो अकेला प्लेयर चार प्लेयर को कैसे एलिमिनेट कर सकता है, 1v4 इट्स नॉट इजी। अरे अभी इसके बाद ना, फिर अभी इसके बाद 1v1 टेडियम ही करेंगे यार, जिसको आना है ना, जिसकी खुजली है आ जाना दूर करवाने, ठीक है, एकदम सीरियस वाला गेम खेलूंगा मैं थोड़ा। तुम लोग तो यार मजाक मजाक में तुम लोग सीरियस ही हो गए भाई। फैद इमरान के पास हम लोग चलते हैं, टीम फैद अयान एंड इमरान के साथ, दो प्लेयर स्लॉट नंबर 2। एंड यार पहले ही बता दो, टीम जो है अयान की जो टीम है ना, ये अनरजिस्टर्ड है, जो कि यहाँ पे दिक्कतें कर रही है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज और टीम्स भी यहाँ पे ये कहने वाली हैं भाई, कह रही हैं भाई कि यहाँ पे यू नो भाई अनरजिस्टर्ड प्लेयर्स। ये लास्ट रूम है ना सैंडी, हाँ ये लास्ट कस्टम है, इसके बाद हम लोग खेलेंगे भाई। भैया दो पार्ट में भेज रहा वीडियो, ओके। 666 निंजा नूब है, हाँ वो तो मेरे को पता है, वो पिछले मैच में वो जब पिला था ना तभी पता चल गया था, सबसे पहले पिल गया था। अभी यहाँ पे 666 के प्लेयर्स हैं क्या, D2C टीम INS के टोनी भाई, वेयर इज टीम NS, कहाँ है ये टीम और कहाँ पे ये फाइट चल रही है, यही नहीं पता चल रहा मेरे को तो भाई, किधर, अबे किधर है ये NFS वाले, NS के रोमन, और यहाँ पे एलिमिनेट भी कर दिया भाई NFS की टीम को, और मैं उतनी दूर से यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ भाई कहाँ प्लेयर्स भिड़ रहे हैं आपस में। रौनक को नॉकआउट करा है सोहम, 215, वेयर इज, अब ये टीम किधर है, लीजेंड सोहिल रैप्टर के साथ एक फाइट हो रही है, यस बिल्कुल हो रही है, रौनक को नॉकआउट करा है जहर, एंड यहाँ पे टाइजन आपको देखने को मिल जाएंगे, दानिश मिसिंग है आज इनकी टीम के लिए, लॉस लियोन्स में एक अच्छी फाइट देखने को मिलने वाली है, NG के प्लेयर को नॉकआउट करा गया है, लीजेंड सोहिल यहाँ पे बिल्कुल क्लोज इन करने के लिए तैयार, कवर फायर आता हुआ पीछे से जहर एंड टाइजन का, और यहाँ पे पहला नॉकआउट निकलता सोहेल के रूप में, एंड अपने प्लेयर को रिवाइवल यहाँ पे देंगे, बट नहीं यहाँ पे पहले मोली की गई है ताकि एक कवर मिल सके, स्मोक कर दिया है टीममेट ने, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। और सोहम यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं, पहले नॉकआउट भी करा एक प्लेयर को, एंड उसके बाद यू नो एक रोटेट करते हुए फ्लैंकर्स वादू को नॉकआउट कर दिया गया है, दिक्कतें बढ़ेंगी अभी टीम के लिए, जहर यहाँ पे स्क्वाड भी कर लिया है सोहम को, सोहम यहाँ पे यूजी के साथ एक स्किल्स दिखाते हुए रैप्टर को रिवाइवल दिया है, क्या ये 3v4 होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है, लग तो ऐसा रहा है, और दोनों टीम यू नो इतनी अच्छी है कि यहाँ पे यू नो नॉक करने के बाद फिनिश नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं यू नो बाकी के प्लेयर्स का, पूरा एलिमिनेट करना चाहती हैं, और अभी यहाँ पे ज़्यादा देर होगी तो शायद यहाँ पे जहर फिनिश आउट करेंगे, COD करें, इमरान एंड अयान जीतेगा, और लेट्स सी ब्रो, टीम नंबर 23 के पास भी हम लोग चलेंगे भाई, ब्लड सिनर्स, एंड यहाँ पे शोहन को फाइनली एलिमिनेट करा फ्लैंकर्स की टीम, थोड़ा सा फॉल बैक कराए उन्होंने, हल्का सा बैकवार्ड की तरफ गए, रिवाइवल चल रहा है क्योंकि रिवाइव देंगे अपने टीम मेट्स को, और उसी के साथ हम लोग चलते हैं स्लॉट नंबर 23 के पास, क्या चला जाए या ये फाइट अभी देखने को मिलने वाली है अभी, और शायद हो भी सकती है या नहीं भी, ओवरऑल अगर बात करूं तो ओवरऑल में भाई वेयर इज टीम नंबर 23 एलिमिनेट भी हो गई भाई, क्या अरे भाई टीम नंबर 23 तो पिल चुकी है, 25 के यहाँ पे लीजेंड सोहिल अगेन नॉकआउट हो चुका है, ये तो कि ऐसी की तैसी मारू साला, गाली खाने का काम करते हैं, जहर यहाँ पे गाइस 1 HP ऑलरेडी आउट था, बंदा ऑलरेडी था, और यहाँ पे एक मोली कनेक्ट हुई है जिसके थ्रू यहाँ पे हो चुके हैं नॉकआउट, NS के प्लेयर यहाँ पे आ चुके हैं लॉस लियोन्स में NFS की टीम को वाइप आउट करने के बाद, 3 फिनिशेस के साथ टाइजन को नॉकआउट कर दिया गया है, और अभी यहाँ पे 666 शो YD ये फाइट ले रही है कहीं पे, तो यहाँ पे शायद NG के साथ इनकी एक फाइट चल रही है, और इस बार पूरे के पूरे 4 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे आए न्यू प्लेयर शैलो की एंट्री, और आज तो ये कुछ करने वाले हैं शायद, बिकॉज स्कैम ओपी इनकी टीम में आ चुके हैं, पिछला मैच इतना ओपी था कि जिसे देखने के बाद यू नो यहाँ पे थोड़ी टीम्स में एक वो आई होगी कि भाई अब खेलेंगे हम भी भाई, पेलम पाली मचाएंगे, और यहाँ पे भाई रूइंस की तरफ ये कुछ दिखने को मिल रहा है क्या, ओ यहाँ पे डार्क डॉक्टर JK नॉकआउट हो चुके हैं, लीजेंड सोहिल, और एक मिनट रुक जाना भाई मैं जरा इन कुत्तों की रेल बना के आऊं पहले,
हेलो भाई, कुत्ता की रेल बनाने गया है। अरे यार भाई, ये सालों ने दिमाग खराब कर दिया भाई। तब से लीजेंड सोहिल नॉकआउट हो गया। और भाई स्लॉट नंबर 23 से 13 कैसे हुआ ये तुम अपनी टीम से पूछो, मेरे को भी नहीं पता कैसे हुआ है। DDLC के प्लेयर ऑक्सीरियो एंड INC बाबा को एलिमिनेट करते हुए जोन के बाद 54 प्लेयर्स अलाइव है। जोन यहाँ पे छोटा हो चुका है और यहाँ पे आप लोग टीम्स की फाइट देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी तक। NG के प्लेयर 3 प्लेयर एलिमिनेट हो चुके हैं। स्केलेटन द लास्ट मैन अपनी टीम के लिए बढ़ते हुए आगे स्कूल बस के थ्रू, यू नो स्कूल बस क्या कहते हैं इसको। और यहाँ पे जीरो की टीम भाई बहुत अच्छा खेल रही है। वेयर इस किधर ये टीम, न्यू टीम्स की आज एंट्री हुई है। लास्ट मैच रैंगल में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे खेले थे। D2 से Dare2 कंप्लीट काफ़ी अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है आज इनकी तरफ से। और यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी टीम नंबर नाइट स्पाइडी NX, जो कि पिछले मैच में यू नो बहुत अच्छा खेली थी। टीम नंबर 5 ट्राइंगल्स की टीम स्लेयर VR स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगी। हिटमैन एलिमिनेट हो चुके हैं। निंजा नूब है लेकिन IGLing अच्छा करता है भाई। नूब भी कह रहे हो उसे और IGLing अच्छा भी कह रहे हो, क्या सीन है? अरे स्ट्रीम कहाँ बफर हुई है, तेरा नेट चला गया भाई। आइकॉनिक ऑक्सीरियो को नॉकआउट कर दिया है। जीरो की टीम ये रही गाइस, 4 फिनिशेस यहाँ पे। फाइट इनके मिस हो चुकी है। अब फाइट मिस हो गई तो हो गई भाई, अभी क्या कर सकते हैं। जोन के बाहर टीम्स और यहाँ पे D2C की जो फाइट चल रही है ना, बहुत देर से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टीम्स की, ये जो 3 टीम्स है ना पिकार्डो में शायद ये फाइट चल रही है शुमाकेरा में, और ये बहुत देर से यू नो इसकी सही इसकी फिनिशर की रेल बना दो। अबे यार ये भैंस की आँख मूड ख़राब कर रखा है। ये सब ना सिर्फ एक वजह से हो रहा है, बोलूँगा फिर मैं, फिर बोलेंगे भाई बोल दिया। फिनिशर तो गया, अरे बच गया, उसकी किस्मत अच्छी कि यहाँ पे गेम में कोई ग्लिचेस नहीं हुए। लेट्स सी गाइस, हम लोग चलते हैं फाइट की तरफ। एक्सटीरियर खेतर एंड यहाँ पे रोहित देखने को मिल जाएंगे। सारा फोकस यू नो, जब खराब जैसे ही कुछ अच्छा होने चलता है ना अपने साथ, सब अपनी ऐसी तैसी करवाने उस टाइम पे आ जाते हैं, सच्ची बता रहा हूँ। एक क्लेन से कितनी टीम आ सकती है खेलने भाई? एक क्लेन से वैसे एक ही टीम आ सकती है, बट अगर तुम लोगों को यू नो इंटरेस्टेड हो सीरियसली खेलने में तो तुम 4 भी टीम ले आओ, मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब कि तुम कितनी भी टीम लेके आ जाओ, बस ये नहीं होना चाहिए कि भाई तुमने रजिस्टर्ड करा और फिर तुम लोग आए नहीं कि भाई हमारी टीम नहीं खेल पा रही, मेरे को भी अपनी टीम डालनी है। तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिस भी टाइम का आपको स्क्रीम्स खेलने हैं उस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कैसे करें? अरे ब्रो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो व्हाट्सएप ग्रुप। 9 PM वाली, 9 एंड 10 PM स्क्रीम्स खेलनी है वो वाला ग्रुप ज्वाइन करो। 3 and 4 PM स्क्रीम्स खेलनी है तो वो वाला ग्रुप ज्वाइन करो, और दोनों ही खेलनी है तो दोनों ही ग्रुप ज्वाइन कर लो, सिंपल। NC शेडी 43 प्लेयर्स अलाइव हैं एंड NG स्केलेटन लास्ट प्लेयर। 666 ब्लड सिनर्स की टीम भाई, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ इतनी देर तक ये चारों प्लेयर्स कैसे अलाइव हैं, अभी तक कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ इनकी टीम का। आज क्या यहाँ पे चिकन डिनर निकालने के लिए तैयार है YF राज, यंग फेथ के ये प्लेयर्स नॉकआउट होते हुए। और कहाँ पे ये नॉकआउट हुआ है? यहाँ पे यंग फेथ के राज उपित यहाँ पे इन्हें रिवाइवल दे पाएंगे क्या या नहीं? फॉरगॉटन वॉरियर्स डेस्ट्रॉयर क्लोजिंग करेंगे
राज को रिवाइव देना मुश्किल। राज ने अपना नाम यहाँ पे चेंज कर दिया है, TH राज से YF कर दिया है। कॉन्करर प्लेयर स्किल्स दिखाते हुए बट यहाँ पे एक अच्छा कवर फायर अगर मैं कहूँ मैक ओपी एंड उनके साथ उनके टीममेट का क्लोज इन करना होगा बिकॉज वहाँ पे लास्ट प्लेयर सोलो बचा हुआ है और यहाँ पे रिवाइवल के लिए स्मोक्स किए जा रहे हैं। उपित जो है डेस्ट्रॉयर को रिवाइव कर देंगे। ओ भाई क्या ट्रोल, अरे सही में यार हैकर नहीं आते हैं ना, हैकर आते हैं ना भाई, बट हैकर आते हैं ओपन कस्टम में, जब हम लोग क्लासिक खेल रहे होते हैं ना तभी हैकर आते हैं, वैसे कस्टम खेल रहे होते हैं जब कस्टम में बना रहा होता हूँ तो हैकर नहीं आते, अभी तक तो नहीं आए। और जो हैकर आते हैं तो उसमें हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि पिछले मैच में एक हैकर आया था तो वो बैन हो गया उतरते के साथ ही, तो मतलब किसी भी टीम को पता भी नहीं चला कि मैच में हैकर भी आ गया था, मतलब बाद में पता चल गया था जैसे उसका नाम आया कि बैन हो गया वो बंदा, पर उससे पहले किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ एक बंदे को पता था जिसने मेरे को कहा था कि भाई ये आईडी चेक कर लो, और सबको भाई लेवल 30 से नीचे आईडी अलाउड नहीं है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अरे भाई मज़ा आना चाहिए, हम बुरा नहीं मानते। ओह ठीक है फिर रेल बना दो मेरी। फिनिशर तेरी किस्मत अच्छी है कि ग्लिचेस नहीं हुए, आई एंड्रॉयड नहीं है, नहीं तो वो अटका रहता मैं वहाँ स्पॉन आइसलैंड में ना तो मेरा मूड खराब हो जाता पूरा का पूरा। YF यंग फेथ के भाई डेस्ट्रॉयर नॉकआउट है, यहाँ पे फॉरगॉटन वॉरियर्स के इन्होंने तीन प्लेयर को लगभग एलिमिनेट डाउन कर दिया। लास्ट प्लेयर अन्वेषा स्कारल विथ 3x के साथ है, अकेली प्लेयर 1v3 की सिचुएशन कैसे हैंडल करने वाली है, और ग्रेनेड देख रहे हो भाई क्या दूर यहाँ पे ग्रेनेड किए जा रहे हो फिथ के थ्रू। 4mg लाला ओपी ब्रो, ओके ब्रो एंड वेलकम ब्रो, वेलकम टू स्ट्रीम। और यहाँ पे गाइस फाइनली फिनिश आउट करेंगे YF के राज, यंग फेथ के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा ओपी खेलते हैं, राज इनकी टीम से है तुम लोगों को बता दूँ पहले। और यहाँ पे गाइस इस फाइट के बाद यू नो फिनिश आउट करने के बाद यहाँ पे एक डांस मूव होते हुए इस सीजन का यू नो चिंकी मिंकी पिंकी पिंकी वाला वो जो डांस चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा रील्स पे। और एक और टीम की एंट्री हुई राज यहाँ पे नॉकआउट करेंगे स्काई को, एंड शायद यहाँ पे EL को भी एलिमिनेट करेंगे। लो भाई बैक टू बैक दो टीम्स को लो भी, एंड अगेन यहाँ पे शायद एक डांस होगा। अरे भाई क्योंकि डांस कंप्लीट नहीं हुआ था ना पहले, ये काओ कहाँ से आई सैंडी, अबे यहाँ पे गाय वाय सब कुछ है यार हमारे घर के इधर, कहते भाई जहर बना रखे, जहर गली बना रखी है। एक चीज बुरा कल 1v4 1v3 1v2 किया, एक भी नहीं दिखाया। अरे यार देख कल से मैं तुम्हारी टीम को ना बार बार दिखा रहा हूँ भाई, वब भी मैं दिखा रहा था जब तुम लोग फेरी पियर पे उतरे थे, बट मैं क्या था भाई जब मैंने दिखाया तुम्हारा एक प्लेयर एलिमिनेट हो गया था तो फिर मैंने वहाँ से चेंज कर दिया, तू बहुत दूर था एक प्लेयर, दो ही प्लेयर तुम लोग खेल रहे थे। अब मैं 4v4 की फाइट प्रीफर करूँगा या फिर 2v4 की फाइट प्रीफर करूँगा बताओ तुम लोग, वहाँ पे एक टीम वर्सेस टीम की फाइट चल रही है, वहाँ पे एक डुओ वर्सेस फोर, सबको पता है रिजल्ट डुओ वर्सेस फोर का 90% होगा, चार बंदे मिलके दो बंदों को पेल देंगे, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जिसमें भाई यू नो दो बंदे चार बंदों को पेल देते हैं। आइकॉनिक ब्रो दिल से बुरा लगा भाई, तो बुरा बुरा मत लगाओ और दिल विल पे मत लो, एक तुम्हारे पास भगवान ने कुछ दिया हुआ है उस पे ले लो, मैं दे दूंगा सबको बराबर टर्चन। कल 1.66 के थे आज 1.68 हो गए, अबे साला ये भाई इसने तो और कम कर दिए भाई, कल 1.86 थे आज 1.88 किए हुए हैं। जो आप चाहो अरे ये क्या था जो आप चाहो, अरे तुम लोग यार बातें चल रही हैं और मेरा जो है कास्टिंग पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, मेरी तरफ से यहाँ पे कोई भी लड़ रहा है भिड़ रहा है मेरे को मतलब नहीं। टीम बीटी INC के बाबा शेडी वो कोल्ड जो है वो एलिमिनेट हो चुके हैं, प्रिंस द लास्ट मैन स्टैंडिंग M164 के साथ, M164 अबे M16 है, M16 का नाम पूरा क्या है भाई, M164 ही है ना, नहीं M16 ही है खाली, दिल पे मतलब मुँह मेला। मेरे को बताओ सैंडी भैया आपने वो बंदे को ये क्यों कहा कि उसकी आईडी ऐड कर ली और मेरी आईडी लॉग आउट, वो बंदे को जो आईडी खरीद रहा आपकी। हाँ तो बोलूँगा ना, मैंने उससे कहा भाई अपनी आईडी उसमें क्योंकि सिंगल लॉगिन है तो अपनी आईडी से लिंक कर लियो और मेरी आईडी जो है फेसबुक वाली आईडी उसको अनलिंक कर दियो नूबड़े, इसका मतलब ये था। सॉरी वरी कुमार गोली थोड़ा ढंग से चैट पढ़ ले करो।
ये देखो यार फिर चालू हो गए बे यार, अभी मैं फिर जा रहा हूँ ठीक है, दो मिनट रुकना भाई। इनकी ऐसी की तैसी क्वांटम संयम, अरे संयम अवार्ड यहाँ पे तीन फिनिशेस कर चुका है भाई, संयम जीरो फिनिशेस, टीम के यहाँ पे अच्छे खासे फिनिशेस हो चुके हैं। सैंडी कौन से जू में रहता है एड्रेस देना, मैं आता हूँ। अबे यार ये गली के यार भाई कुत्ते ये जो है ना भाई बहुत ज़्यादा हो गए हैं भयंकर। और जहाँ मैं जो स्ट्रीम करता हूँ ना बिल्कुल मैं करता हूँ वाईफाई के बिल्कुल बराबर में जो है गेट के पास, अब गेट खुला रहता है, अब सारा साउंड ना पूरा का पूरा आता है। कल से अंदर शिफ्ट करना पड़ेगा पूरा वाईफाई का ये सिस्टम। देखियो देखो भयंकर अलग ही चल रही है उनकी लड़ाई, टीडीएम चल रहे हैं उनके, उन्होंने दिल पे ले ली ये जो गॉड करके आया था ना उसने मेरे को हराया था, तो कह रहे हैं आज बदला लेंगे उसको मारेंगे हम, वो गली में आ गया है 1v1 करने। शांति ना हो रे भाई, रेल बना दी भयंकर, पूरी स्ट्रीम पे यही नहीं का साउंड रहता है, कैसे मैं फेमस होऊंगा यार, मेरे को तो समझ नहीं आता कभी कभी। मिस्टर चिचा यहाँ पे M416 AR सप्रेसर के साथ भाई बहुत अच्छी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और पिछले मैच में ना चिकन डिनर तो भाई लीजेंड सोहिल को भी एलिमिनेट कर दिया। यंग फेथ की टीम बैक टू बैक फिनिशेस निकाल रही है, उपित एलिमिनेट हो चुके हैं, फ्लैंकर्स की टीम को यहाँ पे जीरो को यहाँ पे पकड़ा, एंड अभी यहाँ पे इनका नंबर शायद हो सकता है डेस्ट्रॉयर एंड राज, दो प्लेयर्स क्या यहाँ पे खेला जा रहा है। सैंडी भैया अब तक कितना कमा लिया YT? हाँ कमाया ना बिल्कुल, 95 रुपीज मेरे YT अकाउंट में पड़े हैं, अगर किसी को चाहिए तो बता देना, पूरे 95 रुपये मैंने कमाए हैं, जिसमें से भाई मैं सच्ची बताऊं तो पूरा स्कैम है भाई ये YT का, ये जो है ना सीन कि पैसे मिलते हैं वैसे मिलते हैं, घंटा कुछ नहीं मिलता भाई। नोवा नाम के लॉन्डे ने कहाँ तक की सुपर चैट करेगा, आई कि नहीं अभी तक, तूने भी तू भी कर ले भाई कुछ सुपर चैट मत ही करो, मैं तो बोल रहा हूँ भाई 40% तो वो रख लेते हैं, 60 रुपये 100 रुपये की तुम सुपर चैट करोगे उसमें से 40 रुपये वो रख लेंगे, 60 रुपये मेरे को मिलेंगे भाई, क्यों इससे बढ़िया पेटीएम कर दो मेरे को, फ़ोनपे कर दो, जीपे कर दो, UPI कर दो, इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है तो सुपर चैट करके क्या मिलने वाला है तुमको। यहाँ पे 666, अरे भाई 666 एलिमिनेट हो गई है क्वांटम की ये टीम, ओ सॉरी यहाँ पे गाइस संयम ब्रो यहाँ पे जिस टीम से खेल रहा है ओवर पीस करके टीम का नाम है भाई, 4 फिनिशेस और यहाँ पे देख लो तुम क्या ही किल निकल रहे हैं, और T2 में प्रमोट भी हो चुकी है संयम की ये टीम, 450 होते ही मेरे को दे देना रॉयल पास। अबे GP क्या है, GP बोले तो गूगल पे 30% रिवे सुपर चैट का 40% करता है चिचा, देखो पता नहीं, और नॉर्मल एड जो नॉर्मल YouTube की इनकम है उसमें 45% अभी कटता है वे, वो जून में आया नहीं था वो स्कैम एक, तो मैं तुम लोग को पता ही नहीं भाई, तुम लोग क्या है तुम लोग, इसीलिए तो तुम लोग यूट्यूबर नहीं हो। संयम भाई मोली वोली निकाल के फेंक रहा है, कहाँ फेंकना चाह रहा है, एक घंटे तक तो मोली इसने कंधे पे घुमा दी। जीपे भेजो नोवा को अभी 500 रुपये देगा है, जीपे नंबर भेजो 9068177775 जल्दी भेजो। DSTR एक्वा, अरे यार तुम लोग छोड़ो अपनी चोरी मत करो, मेरे को इस कास्टिंग करने दो, 13 प्लेयर बचे हैं, काफ़ी अच्छा मैच चल रहा है, एक्वा को एलिमिनेट कर दिया, 666 की टीम यहाँ पे वाइप आउट हो गई है, एंड लास्ट प्लेयर यहाँ पे बचे हुए हैं हमारे मदारा WNL। बंदे कहेंगे भाई क्या कास्टिंग कर रहे हो तुम चूतियाओं वाले, तुम लोग भाई अपने ही चैट तुम लोगों को समझ चैट करने में लगी पड़ी है, नहीं 2 मिनट बात कर लेना, 15 लाइक कंप्लीट करवाओ उसके बाद करना बाकी की सारी चैट्स, 50 लाइक्स होने वाले हैं गाइस जल्दी से कर दो। एक्वा को रिवाइव देने के लिए, ये रिवाइवल पता नहीं क्या बोलने लग गया हूँ मैं आजकल, मैं भी नशे में ही घूम रहा हूँ मुझे लग रहा है पूरा। एक्वा को रिवाइव मिल जाएगा गाइस एक ईजी, और यहाँ पे भाई मानना पड़ेगा हमारे मुबारक और रिवाइव राज को एलिमिनेट करती हुई टीम मिस्टर की ये टीम, भाई क्या यहाँ पे दूसरा चिकन डिनर होने वाला है इस टीम का, और देख रहे हो गाइस टीम बिल्कुल सेफ खेल रही है, चिकन डिनर के लिए मैच और एक इजी चिकन डिनर मेरे को इनके पास जाता हुआ दिख रहा है अगेन, बिकॉज इन्होंने फाइट ही नहीं लिया यार, गिव अवे करना सैंडी, गिव अवे करते हैं ना 3K सब्सक्राइबर्स पे पूरे 300 रुपये का गिव अवे,
अबे गिव अवे की जरूरत है क्या? गिव अवे क्या करना? कस्टम में मैं इतना पैसा लगाता तो हूँ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ है? हाँ तो कर सकता हूँ, एक सोलो कस्टम, चलो फिर एक सोलो कस्टम करते हैं 2K सब्सक्राइबर्स पे, रॉयल पास गिव अवे का। ओ भाई यहाँ पे एक्वा क्या बच पाएगा? ओ भाई यहाँ पे नहीं यार, हैकर ब्रो की ये टीम बहुत ही गंदा मार रहे हैं लोग, सच्ची बताओ। रेंगल में इन्होंने जो भूत बनाया है प्लेयर्स का, और अभी यहाँ पे इस मैच में देख सकते हो भाई टीम नंबर 20 भी अगर मैं बात करूँ पूरी की पूरी बची हुई है। भाई संयम की ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है, ओवर पीस टीम का नाम। कॉफिन की अगर मैं बात कर लूँ, अकेले प्लेयर यहाँ पे बचे हुए हैं डेयर टू कंप्लीट की तरफ से, और एक मज़ा आ रहा है मैच में बहुत हार्ड वाला। बट यार टीम्स यू नो इसीलिए कहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में भाई स्टार्टिंग फाइट इग्नोर कर दो, ताकि लास्ट में तुम लोगों को गेम रेंडर होगा तभी तो तुम लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी। बाला ओपी के टीममेट को यहाँ पे नॉकआउट करा है डेयर टू डेड उसी के कॉफिन ने, एंड विनफोर्ड ओपी जो कि यहाँ पे रिवाइवल, उन्हें भी रिवाइव मिल जाएगा भाई, रिवाइव दैट गिव अवे करेंगे पर गेम दूसरा रहेगा। हाँ गिव अवे करेंगे पर गेम दूसरा रहेगा। संयम ये क्या नाम है, चेतन गिव अवे करवा रहा है, अपने को स्पॉन्सर भी कर रहा है। लो गाइज लूडो में गिव अवे करेंगे, लूडो में जो भी मेरे को हराएगा ना 5 रुपये ड्रीम इलेवन अकाउंट पे 5 रुपये में सैंडे की तरफ से, जा जी ले अपनी जिंदगी 5 रुपये मेरी तरफ से, 5 रुपये का बोनस, 200 रुपये का बोनस ले लियो किसी को इनवाइट करके, एंड फुल 49 वाला एक मैच खेलियो और 1 करोड़ रुपये विनिंग प्राइस, आराम से जिंदगी भर मौज। भाई मजा आने वाला है यहाँ पे इस टीम की फाइट देखने वाले, टीम नंबर 20 वर्सेस कॉफिन को यहाँ पे फाइनली एलिमिनेट करा है बाला ओपी इन द चैट गाइस, लेट्स बाला संयम को यहाँ पे पड़ चुकी है और एलिमिनेशन भी होता हुआ संयम का। टीम मिस्टर यार बहुत अच्छा खेल रही है, ये जो भी टीम है पहली बार आज के मैचेस में देखने को मिली है, और इन्होंने बता दिया बाकी टीम को कि तुम लोगों ने बहुत मजे में चिकन डिनर ले लिया, अभी चिकन डिनर इतना आसान नहीं होने वाला है, और वाकई में मजा दिला दिया टीम ने जिस तरीके से पिछले मैच में एक डोमिनेट करा था पूरा का पूरा रेंगल का वो मैप, एंड यहाँ पे अभी देख सकते हो मीरामार में होता है कि आप लोगों को इतना ज्यादा मीरामार मैप की नॉलेज नहीं होती है टीम्स को, जो टीम्स अच्छी है उनको यहाँ पे होती है, बट कोई टीम्स होती है बहुत टीम्स ऐसी होती है जिनको भाई अभी भी वो कितना भी खेल ले मीरामार भाई थोड़ा हार्ड मैप है तो दिक्कत होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे इन्होंने सबसे अच्छा क्या करा भाई, पता है कि इस मैप के बारे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी तो इन्होंने फाइट ली ही नहीं स्टार्टिंग में, लास्ट में भी बहुत कम फाइट ली, और देखो 5 फिनिशेज और यहाँ पे विनफोर्ड को नॉकआउट करा है, और यहाँ पे अराउंड 8 फिनिशेज के साथ ये लोग चिकन डिनर कर लेंगे। फिनिशेज पॉइंट्स ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ नॉर्मल फिनिश पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाले टीम को, और आगे चल के भाई टेटो में तो ये टीम बताने वाली है बाकी टीम्स को, मतलब भाई अलग ही लेवल के मैचेस होने वाले हैं जिस तरीके से टीम यहाँ पे आ रही है। लास्ट बॉय तो बाला ओपी इन द चैट गाइस, यहाँ पे इस बंदे के लिए भी कर दो, काफ़ी ज़्यादा ओपी यहाँ पे अपनी टीम से खेल रहा है ये प्लेयर, पिछले मैच में भी लास्ट तक सर्वाइव कराया था, #2 अपनी टीम को लाए थे, और इस बार भी यहाँ पे #2 आ चुके हैं। साइको को नॉकआउट कर दिया भाई, 2 प्लेयर बैक टू बैक नॉकआउट, 1v4 की सिचुएशन 1v2 में तब्दील होती हुई, हैकर सामने की तरफ आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका नाम हैकर है ब्रो, नॉट रियल हैकर। अब है वो लोड गाइस जल्दी से 2K करवाओ, स्ट्रीम स्नाइपर ऑन, ए भाई गाइस जल्दी से यार 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। माल बाला ओपी पे भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को ट्रस्ट है कि ये एक चिकन डिनर करा सकता है, बट मिस्टर की टीम जो है वो इतनी ख़राब भी नहीं है कि ये चिकन डिनर इतनी इजी तरीके से दे दें, और यहाँ पे वही मिस्टर हैकर ब्रो ओपी इन द चैट करते हुए एलिमिनेट करेंगे सामने वाले टीम को। नोवा एक स्क्रीनशॉट भेज दियो भाई, एंड यहाँ पे टोटल अके 8 फिनिशेस के साथ सेकंड चिकन डिनर जाता हुआ टीम मिस्टर की तरफ, एंड सेकंड पोजीशन पे सेम वही टीम सेकंड पोजीशन पे है, टीम ओवर पीस, दोनों की दोनों टीम सेम होने वाली है, तो
और इस बार स्टार प्लेयर्स जो थे वो थे गाइस YF राज यंग फेथ की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा फिनिशेज उन्होंने निकाले 5। रिवाइवल की अगर मैं बात करूँ, बेस्ट कंपेनियन थे फ्लैंकर्स ड्रैगन, जिन्होंने अपने टीममेट्स को 3 बार रिवाइव दिया है। लास्ट शॉट जिन्होंने दिया है वो थे हैकर फिनिशर अपने टीम के लिए, 4 फिनिशेस एंड मैच होता हुआ ख़त्म। और अभी हम लोग खेलते हैं कस्टम, आ जाओ भाई, अब कस्टम वाले आ जाओ, भाई कस्टम वाले आ जाओ, सारे TDM वाले आ जाओ। आ जाओ अभी खेलते हैं TDM। चलो भाई रूम बना रहा हूँ, आ जाओ, कौन आ रहा है? बुलाओ बे उसे, बुलाओ, वो कौन था मिस्टर मिस्टर करके जो था, उसे भेजो जरा। जल्दी बुलाओ जल्दी, इनका प्रो बनाऊं। 1 मिनट देखने दो, आईडी लॉग आउट करने दो। हाँ देख जल्दी से, अबे लूजी भी खेल रहा है भाई आज तो। चलो लूजी को भी बुला था, सयम को भी बुला था, सारे लोग आ जाओ, सब लोग खेलते हैं TDM। आजा नोवा तू भी, अबे नोवा आ रहा है क्या? मैं आता हूँ, रुक तो जल्दी है ना। आ जाओ 3v3 खेलेंगे। शीनू को भी बुला लेते हैं। अबे ये सही है, और फिनिशर आ रहे क्या? मैं इनकी साला दिमाग खराब कर दिया इन्होंने तो। अब डेली नोवा क्या भाई, अंडे अंडे देने चला गया क्या साला बोट? 1 घंटा लगा रहा है भाई आने में। ये संयम इसकी, अबे यार क्या सीन है भाई। क्योंकि अपने पास एक प्लेयर की कमी है तो नोवा भैया वो गए स्पेक्टेटर में, और हम खेलते हैं मैच।
Team match. Let's go. हेड खाया है मेरी लो भाई हाथ क्यों मेरे तो भाई स्कैम पे स्कैम हो रहा है मेरे साथ इस साल इसकी आईडी बड़ी मनहूस है क्या मेरे लिए अबे यार ये मेरी गोलियां लग क्यों नहीं रही है भाई बंदों को मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कुछ ये क्या इश हो क्या रहा है भाई ऐसा लग रहा है रजिस्टर्ड ही नहीं हो रही मेरी गोलियां ये कहां से आया भैंस क्या अरे फिनिश अबे तीसरे कुछ बोलेगा भी ये साले कैंपरों की तरह बैठे हुए हैं पता नहीं कहां कहां बता तो वो उसे कवर देने लग गया तुरंत ही भाई अब जाके मेरा पहला फिनिश हुआ है ये कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे में अभी दिया है तूने कवर जाके साल लग गए AWM से फेल दिया अबे यार लगी नहीं भैंस क्या अतिशय मार हैं? Nice shot. अरे भाई लूसी ने मेरे को फेल दिया पीछे से चल 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 आ रहे हैं आ रहा है मैं आ रहा है वापस
and the red team is in the lead. She was pretty. वन एच पी है, फिनिशर ने मार दिया पीछे से। मेरे पे आ रहे हैं दोनों। अरे यार cover me expired reloading रे यार एक्सीलेंट वर्क कवर मी हेल्प क्या, मैं जब तक आता हूँ तो मिल जाता है। अरे भाई मेरे को बचा, लेफ्ट से लूज ही साला, लेफ्ट में कहाँ घूम रहा था। अरे यार भैंस क्या किए थे कुत्ते थे मेरी गली के, फिर पागल हो मार। अबे भाई कि चल कहाँ प्री फायर दिए इसने। अरे भाई हेल्प क्या, मिल गया मैं। लूजी ने तो मेरे पे फिनिशर, बढ़िया। फिनिशर को देख, मर गया वो। Blue team
victory. Excellent work. Yo. Jeet gaye. हेलो, क्या हुआ? लूजी कहाँ भाग गया? स्ट्रीम पे आएंगे हैं? मेरे को भी ले लो। चल ठीक है। चलो भाई लास्ट स्टेडियम, इसके बाद मेरी बैटरी लो। Cover me. I need a weapon. Team match. Let's go. Team has scored for the first time. अरे 1 HP. मेरे पास भाई क्या चल रहा है? अबे भाई ये बैटरी लो का अभी आना था।
अरे यार अभी इनकी कैंपिंग चालू होगी। भाई मेरे को पीछे से डैमेज दे रहा है। रेप है यार इसे कहाँ तो ये तो भाई कैंप करके बैठ गया इधर।
careful. You're losing the game. The red team is about to win. Cover me! मेरे पे अरे यार चले पीछे भाग रहे हैं पीछे कैंप कर रहे हैं ये लोग अब चल संडी बाय गुड नाइट हाँ बाय बाय गुड नाइट चल मैं भी जा रहा नेट चल गया ना स्लीप आज मैच गया मेरा फोन स्विच ऑफ चलो गाइस बाय बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम लव यू टेक केयर एंड यार ऐसे आते रहो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को जो भी चैनल पर न्यू एंड 50 लाइक्स कंप्लीट करवा देना 12 लाइक्स रह रहे हैं वैसे मिलते हैं हम लोग कल 3 बजे तब तक कल ये सो जाओ सारे के सारे डू व्हाटएवर यू